नमस्कार, ये गेट 2019 का पार्ट टू वीडियो है। उम्मीद है दोस्तों आपने पार्ट वन देखा होगा, इसके बाद आप पार्ट टू देख रहे हैं। अगर नहीं है दोस्तों तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लीजिए वहाँ से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें क्या है, आपको दोस्तों एक फंक्शन दिया हुआ है, सी 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 डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, एंड उनको दोस्तों क्या चाहिए आपको, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है, इस डोमेन में। ओके, मोर देन लेस देन टू में इसके कितने जीरोस हैं। दोस्तों बेसिकली हमारा यहाँ पे एम होता है रॉस थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है। तो रॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको इस फंक्शन को किसी दो फंक्शन में ब्रेक करना होगा पहले, ठीक है। रॉस थ्योरम क्या होता है कि सपोज दोस्तों आपके पास कोई फंक्शन है एफ इज फ्रॉम सी टू सी, ओके। तो दोस्तों अगर आपका एफ इज बाउंडेड बाय सम जी, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस, ओके, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ प्लस जी इट्स सेम एज नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, सेम एज नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जी, ओके। जिससे दोस्तों डोमिनेट होंगे ना, उसको अगर आपने इसमें ऐड कर भी दिया तो भी इसके जीरोस दोस्तों दोनों के सेम रहेंगे, ठीक है। ये रॉस थ्योरम कहता है। अब देखिए आप यहाँ पे, जैसे अपने पास है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड का पावर 6 माइनस 5 टाइम्स जेड का पावर 4 प्लस 10। तो दोस्तों मैं ऐसा दो फंक्शन में ब्रेक कर लेता हूँ, हाँ, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, जी ऑफ जेड ब्रेक कर लो इसको, माइनस 5 टाइम्स जेड का पावर 4 ले लो, ठीक है, और एच ऑफ जेड ले लो आप दूसरे बाकी बचे हुए को जेड के पावर 6 प्लस 10 को। ऐसा दोस्तों मैंने क्यों लिया आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा तो मॉड जेड लेस देन 2 दोस्तों यहाँ पे आप अगर पुट करेंगे तो आपको इसका मॉड लेना है बेसिकली, हाँ, आपको इसलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप एक काम कीजिए, मॉड ले लीजिए पहले, तो मॉड जी ऑफ जेड दोस्तों क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 5 टाइम्स जेड का पावर 4 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स जेड का पावर 4, दोस्तों हो जाएगा 5 टाइम्स 2 का पावर 4, मॉड से दोस्तों 2 है ना, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया आपके सामने 80 दोस्तों। और मॉड एच ऑफ जेड अगर आप निकालेंगे तो क्या हो रहा है, मॉड ऑफ जेड का पावर 6 प्लस 10 इट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड का पावर 6 प्लस 10। अब दोस्तों ये 2 का पावर 6 हो गया, वैसे 64 एंड प्लस 10 इक्वल टू 74। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि जो h है मेरा वो डोमिनेटेड बाय g है ना, g उससे ज्यादा ले रहा है वैल्यू। तो दोस्तों आप यहां से क्या बोल सकते हो कि मॉड h ऑफ z जो है वो दोस्तों g ऑफ z से छोटा है फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू दिस, ओके, कलेक्शन ऑफ z बिलोंगिंग टू c सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 2। ओके दोस्तों ये सबके लिए ऐसे छोटा है यहां पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ, तो इससे दोस्तों ये साबित हुआ कि बाय रॉस थ्योरम, ओके, बाय रॉस थ्योरम दोस्तों, रॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एच प्लस जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दोस्तों डोमिनेटेड किससे, बाउंडेड किससे, इनफैक्ट जी, तो नंबर ऑफ जी के, ओके। अब दोस्तों आपको एच प्लस जी अगर आप करेंगे देखो आपको एफ मिलेगा, ओके, ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपका एफ ऑफ जेड है कोई और नहीं एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड ही है ना। तो इसका मतलब दोस्तों अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एच प्लस जी चाहिए तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जी निकालना होगा, ठीक है। बट जी ऑफ जेड इक्वल टू क्या दोस्तों हमारे पास, माइनस 5 टाइम्स जेड का पावर 4, और इसके पास दोस्तों 4 जीरोस है ना, एज 4 जीरोस इन मॉड जेड लेस देन 2, और सबके सब दोस्तों जीरो ही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एच प्लस जी, ओके, ऑफ जेड, तो दोस्तों ये क्या हो गया पूरा एफ ना, ओके, आर 4, ठीक है। तो दोस्तों एफ के पास भी 4 ही जीरो होंगे, ठीक है। ये रॉस थ्योरम का सबसे बड़ा अचीवमेंट अपने आप में, तो इसका आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, ये फंक्शनल एनालिसिस का प्रॉब्लम है। L2 सीक्वेंस स्पेस पे दोस्तों नॉर्म दिया हुआ है आपको एक, ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शनल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल दोस्तों डिफाइन किया, और पूछ रहा है कि सुप्रीमम ऑफ मॉड जी ऑफ एक्स जब नॉर्म x2 लेस देन और इक्वल टू 1 है उसका स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है वापस, ठीक है। तो आपको दोस्तों निकालना है मॉड जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो सबसे पहले आप मॉड जी ऑफ एक्स कंसिडर करो, सुप्रीमम ये सब बाद में देख लेंगे, पहले आप मॉड तो निकालो।
तो मॉड जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन थ्री पावर एन, राइट। अब दोस्तों ये एक्स एन जो है एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, बेसिकली एक्स ही लिखा हुआ है वो, ठीक है, बेसिकली वो एक्स ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड के अंदर, एक जगह एक्स एन लिखो और एक जगह वन अपॉन थ्री का पावर एन लिखो, एन रन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे आप कॉसी स्क्वायर इन इक्वालिटी लगा दो, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा समेशन ऑफ मॉड एक्स एन का पावर वन बाय टू, सॉरी स्क्वायर पहले फिर ऊपर पावर हाफ स्क्वायर और ये पावर हाफ, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों वही काम करो, वन अपॉन थ्री का पावर एन का स्क्वायर और दोस्तों पूरे का पावर हाफ, ठीक है, कॉसी स्क्वायर इनइक्वालिटी हो गया। अब दोस्तों आप एक्स एन लिख रहे हो, ये सीक्वेंस स्पेस है बेसिकली, ठीक है, तो दिस थिंग इज नथिंग बट एक्स ओनली, ठीक है, ये चीज क्या आपको बोला ना यहाँ पे, सी दिस एक्स एन, ओके दोस्तों आई इक्वल टू वन की जगह मैं एन इक्वल टू वन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं लगता है क्या हो जाएगी, नॉम एक्स टू। तो दोस्तों ये चीज को मैं नॉम एक्स टू लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी नॉम ऑफ एक्स टू, और दोस्तों ये चीज क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ ये वन अपॉन थ्री का पावर एन का स्क्वायर है, मतलब ये हो गया वन अपॉन नाइन का पावर एन, और दोस्तों इसका पावर हाफ कह रहा है वो, ठीक है, ये आपका अभी तक है मॉड जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज को हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले, ओके, नाउ सिंस सीरीज वन अपॉन नाइन का पावर एन, ओके, सो एन रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी है ना यहाँ पे, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ऐसा है ना, वन अपॉन नाइन प्लस वन अपॉन नाइन स्क्वायर प्लस वन अपॉन नाइन क्यूब प्लस वन अपॉन नाइन का पावर फोर एंड सो ऑन, ओके। अगर आप दोस्तों इसमें से आप वन अपॉन नाइन कॉमन ले लो तो आपको लगता है ये ऐसा हो जाएगा, और दोस्तों ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, क्योंकि वन अपॉन नाइन लेस देन वन है, ये कॉन्वर्ट हो जाएगी कहाँ पे, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन नाइन पे, ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्वर्ट हो जाएगी वन अपॉन नाइन ऐसे ही होगा और ये हो जाएगा नाइन बाई एट, तो दोस्तों ये नाइन नाइन कैंसिल, आपको मिल जाएगा वन अपॉन एट। तो दोस्तों हम लोग को क्या मिला कि मॉड, एक मिनट दोस्तों मैं ये वाला पार्ट निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी लिखना है अभी, मीन्स बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका सम आपको क्या मिल गया, वन बाई एट। अब आपको दोस्तों क्या मिला, मॉड जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स टू इंटू वन बाई एट। अब आपको दोस्तों क्या लेना है देख लिया जाए, पहले तो सुप्रीमम लेने का है, ठीक है, और हाँ ये वन अपॉन एट का पावर दोस्तों हाफ है, हाँ भाई देखे वन अपॉन एट का पावर हाफ है ना अभी तक, देखो यहाँ पे, ठीक है, स्टार इक्वेशन देखो आपको यहाँ से मिला है, तो हो गया फ्रॉम स्टार इक्वेशन यू आर गेटिंग दिस। अब आपको दोस्तों सुप्रीमम लेना है, सुबह सुप्रीमम ले लो आप, यहाँ पे तो सुप्रीमम कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक मिनट, सुप्रीमम जब आप ले रहे हो दोस्तों तो साथ में ये भी रख लो कि नॉर्म जो एक्स टू है आपका वो वन हो जाए, ठीक है, अब सुप्रीमम लो, ठीक है, तो ये तो वन हो गया पूरा, तो आपको क्या मिल जाएगा, वन अपॉन एट का पावर हाफ, आपसे उसने क्या पूछा, स्क्वायर। दोस्तों सुप्रीमम ऑफ मॉड जी ऑफ एक्स इज दैट नॉर्म ऑफ एक्स टू इक्वल टू वन का स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू वन बाई एट, तो दोस्तों आंसर वन बाई एट हो जाएगा, ठीक है, सुप्रीमम को दोस्तों पूरा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई एट, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो अब दोस्तों इसके बारे में आप बात करने जाएंगे तो कैसे बातें करेंगे, आओ देखो, सबसे पहले तो ये एक्स वाई पे बात हो रही है दोस्तों, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको लेके चले जाऊंगा पोलार में, ठीक है, कन्वर्टिंग टू पोलार। दोस्तों जैसे आप पोलार में लगाएंगे तो ये एक्स वाई जीरो जीरो बात हो रही है, क्योंकि सब बात दोस्तों जीरो जीरो पे हुई है, तो आप यहाँ पे पहले आप लिमिट चेंज कर लो, बस एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो, दोस्तों आपका जो आर रहता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो जब एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो है तो आर भी आपका कहाँ चले जाएगा, जीरो पे, ठीक है, और एक्स दोस्तों क्या होता है आपका आर कॉस थीटा, वाई क्या है आपका आर साइन थीटा, ठीक है, चलो सब में पुट कर दो, तो दोस्तों आपका फंक्शन ऑफ आर थीटा जो तैयार होगा वो ये होगा अभी, इट विल बी आर स्क्वायर सिंपली, ठीक है, एंड देन साइन ऑफ वन ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, आर इज नॉन जीरो,
एंड दैट इज इक्वल टू जीरो व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। अब फंक्शन दोस्तों नया तैयार हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूस के बारे में बात करें, पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो लिमिट आर टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ आर कमा थीटा, दोस्तों क्या हो जाएगा ये लिमिट, थीटा तो है ही नहीं इनफैक्ट, दोस्तों यहाँ पे चले गया तो ये सिर्फ वन वेरिएबल की लिमिट हो गई। तो आप सीधा खाली एफ लिख के चल दो, लिमिट आर टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये वाली क्वांटिटी क्या है, बाउंडेड है बाय वन, और ये आर टेंस टू जीरो है, तो बाय एबल्स थ्योरम या आप दोस्तों सैंडविच भी कर सकते हो इसको, ये लिमिट कहाँ चली जाएगी जीरो पे। इसका मतलब एफ आपका क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। इसका मतलब एफ आपका कंटिन्यूस है किस पे, जीरो जीरो पे। तो दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट तो सीधा गलत हो गया क्योंकि वो कह रहा है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, अब दोस्तों बात किसकी हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव्स की, ठीक है दोस्तों आ जाओ देखें। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, डेल एफ बाई डेल एक्स एग्जिस्ट एट जीरो जीरो बट आर अनबाउंडेड इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो जीरो। ठीक है, तो दोस्तों अब निकालते हैं, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स एट जीरो जीरो विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो ओवर एच। ओके दोस्तों ये चीज़ क्या मिल जाएगी हमको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच कॉमा जीरो, मतलब दोस्तों जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ एच और जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ जीरो। तो ये चीज़ मिल जाएगी अपने को एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन ओवर एच स्क्वायर, एफ ऑफ जीरो जीरो तो जीरो है और ये नीचे एच है, तो ये एच ए एच गया। अब वापस दोस्तों सेम काम होगा, ये चीज़ बाउंडेड है बराबर बाय वन और ये चीज़ जीरो पे जा रही है, सो दिस एंटायर लिमिट गोज टू जीरो। तो दोस्तों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया ये वाला। अभी वाई देखते हैं, सो डेल एफ ओवर डेल वाई एट जीरो जीरो। ओके, दिस विल गिव यू लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन के विल बी इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा के। दोस्तों जहाँ एक्स वहाँ जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर के टर्म में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन अपॉन के स्क्वायर अपॉन के, दोस्तों क्योंकि तो जीरो हुआ है तो ये के कैंसिल। सेम लॉजिक से दोस्तों ये भी जीरो पे चला जाएगा। तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर गए, लेकिन आगे क्या बोला है, बट आर अनबाउंडेड इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो जीरो। तो दोस्तों हम लोग को अनबाउंडेडनेस चेक करने के लिए आपको ऐसा कैपिटल निकाल के देखना होगा कि ये क्या आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट करो इसको। अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक मिनट को मैं आप लिख देता हूँ फंक्शन फिर से ताकि मैं भूलना चाहूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको दोस्तों डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो और डिफरेंशिएट करें। तो दोस्तों यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगेगा, तो पहला क्वांटिटी तो ऐसे ही, ठीक है, साइन का हो जाने वाला है कॉस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों वापस से वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्शियली टू एक्स। ठीक है, ये हो गया, प्लस साइन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। अब दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया तो ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, तो दोस्तों जब एफ एक्स आपका जीरो जीरो के अराउंड में, ध्यान से देखिए, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इस पूरे टर्म को प्रॉब्लम हो जाएगी और ये टर्म इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो वही तो उसने फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट एट जीरो जीरो बट आर अनबाउंडेड इन एनी नेबरहुड ऑफ जीरो जीरो। दोस्तों सच बात है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, थर्ड फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इससे दोस्तों आप ऑप्शन यहाँ से आप डिस्कार्ड कर सकते हो क्या, देखो ये ट्रू है, जिसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि फोर्थ ओनली, तो ये तो गलत है। डी बोल रहा है थर्ड ओनली, ये भी गलत है। अब दोस्तों वन एंड टू पे बारी आई है। ठीक है, तो हम लोग को एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल, आपको दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी चेक करना ही पड़ेगा। तो चलो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को टू वेरिएबल्स का फॉर्मूला देना होगा। ओके, टू वेरिएबल्स का फॉर्मूला देना होगा, और या तो आप यहाँ से भी दोस्तों बता सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ, और उसके पार्शियल डेरिवेटिव जीरो जीरो पे कंटिन्यूस है। पार्शियल डेरिवेटिव दोस्तों जो एग्जिस्ट हुए वो कंटिन्यूस है ना, बाउंडेड अनबाउंडेड की बात दोस्तों डिफरेंशिएबिलिटी से नहीं होती, कंटिन्यूस है ना।
देखिए आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव 0-0 पे एग्जिस्ट हुए और कंटिन्यूअस भी हैं, ठीक है, 0 आ रहा है आपको बेसिकली, और यहाँ पे आपको 0 आ रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस एंड आर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन दोस्तों डिफरेंशिएबल होगा, और अगर नहीं भी आपको लग रहा है तो इसको रियली सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर आपने सॉल्व किया दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इसको ऐसे, तो दोस्तों दो वेरिएबल वाला डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे हम लोग, तो ऐसे अगर दोस्तों लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0-0 एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0-0 माइनस दोस्तों एफ एक्स एट 0-0 कॉमा एफ वाई एट 0-0 का मल्टीप्लिकेशन एच कॉमा के साथ, ठीक है दोस्तों, ये पूरा अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अगर दोस्तों ये लिमिट पूरी जीरो आ गई तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल, अदरवाइज नहीं होगा, तो आप देखें क्या होता है, तो लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0-0, अब दोस्तों एफ ऑफ 0-0 है और ये भी जीरो है पूरा, मतलब ये पूरा टर्म तो है ही नहीं क्योंकि सब जीरो हो गया, तो सिर्फ एफ ऑफ एच कॉमा के है, जो कि क्या मिलेगा अपने को, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में दोस्तों एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब अगले स्टेप में दोस्तों आप ये अंडर रूट कैंसिल करके ऊपर वाले में अंडर रूट लगा सकते हो, तो ये चीज तो उड़ गई, क्या मिला अपने को, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब दोस्तों ये वापस आप पोलर की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो ये चीज आपको आर मिल जाएगी और ये साइन वर्मा आर स्क्वायर, और दोस्तों वो लिमिट जीरो पे जाएगी, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल, तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0-0, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप एकदम श्योर बोल सकते हो, कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, अभी फोर्थ भी सही है दोस्तों, सेकंड गलत हो गया, तो थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, ठीक है, चलो आगे। अब दोस्तों ये हीट इक्वेशन दे दिया हुआ है, दिखने में तो बड़ा भारी भरकम लग रहा है, सो कंसीडर द फॉलोइंग हीट कंडक्शन प्रॉब्लम फॉर अ फाइनाइट रॉड, दोस्तों ये दिया हुआ है, नॉन होमोजेनियस हीट इक्वेशन है, ओके, और दोस्तों आपको बाउंड्री कंडीशंस भी जो दिया हुआ है उसमें नॉन होमोजेनियस दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, और इनिशियल कंडीशन ये दे के रखा और वी ऑफ एक्स टी दोस्तों आपको सोल्यूशन दे रखा है, ओके, तो दोस्तों ये सोल्यूशन की बजाय ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है, जब हमारे पास आपने अगर दोस्तों मेरे पीछे वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि नॉन होमोजेनियस हीट इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वी एक्स टी इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी प्लस सम ए ऑफ एक्स प्लस सम बी, दोस्तों यहाँ पे हमारा ए और बी मिल चुका है हमको, बी मिला है टी स्क्वायर और ए दोस्तों हमको मिला है ई का पावर टी इंटू एक्स प्लस यू ऑफ एक्स टी, उसे चाहिए यू ऑफ एक्स टी जो सोल्यूशन में आता रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे वी ऑफ एक्स टी आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो दोस्तों आप पूरा सोल्यूशन आप वी में सॉल्व करो और फिर इसे उठा के जोड़ दो, अब क्या होगा आप देखो, यहाँ पे दोस्तों जब आप नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करते हो तो दोस्तों आपको लिमिट बेसिकली जीरो पे, ये आपको 0-t पे ये दिया हुआ है ना, तो जब आप दोस्तों वी में सॉल्व करोगे तो वी में आपको ये जबरदस्ती जीरो पुट करना रहता है, फिर देखना है हमारा फंक्शन कैसे चेंज होता है उस हिसाब से, तो आपको बेसिकली क्या मिला है कि वी ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा टी प्लस एक्स इंटू ई का पावर टी प्लस टी स्क्वायर, तो दोस्तों आप यहाँ से आप ये पुट करो कि v of 0, t दोस्तों 0 होता है एंड v of pi, t भी 0 होता है, क्योंकि दोस्तों ये जब आप ट्रांसफॉर्म कर दिए ना तो ये इनिशियल कंडीशन बन जाता है जो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है हीट का कि टेम्परेचर एट बाउंड्री इज 0, ओके, और जो दोस्तों खाली ये चेंज होता है v of x, 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका u of x, 0 प्लस ये सीधा x हो जाएगा, e का पावर t है ना, और ये तो 0 हो गया पूरा, तो दोस्तों u of x, 0 आपको दिया हुआ है ना, तो आपको क्या मिल जाता है v of x, 0 इक्वल टू u of x, 0, u of x, 0 दोस्तों क्या आपका साइन x माइनस साइन ऑफ 3x माइनस x एंड देन प्लस x, ठीक है दोस्तों ये x और x कैंसिल हो गया, अब आपको v of x, 0 दोस्तों ये मिल चुका, तो अब आप हीट इक्वेशन का अगर आपने दोस्तों मेरा वीडियो देखा है तो आप एक बार वापस देख सकते हो जाकर अगर आप भूल गए हो, तो दोस्तों सॉल्यूशन ऐसे दिया जाता है वी एक्स टी के लिए डायरेक्ट समेशन n इक्वल टू वन से इन्फिनिटी dn इंटू
साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल टू ई पावर माइनस सी ऑफ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू टी। दोस्तों वहाँ पे वो डी एन जो रहता है वो ये है, टू अपॉन एल इंटीग्रल जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है ये दोस्तों। अब इस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं v क्या दिया हुआ है। सो v ऑफ x कॉमा जीरो इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स को दोस्तों आप ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है साइन क्यूब एक्स को आप ट्रांसफॉर्म कर दो इस फॉर्मूले से, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन थ्री एक्स, नहीं सॉरी उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, साइन थ्री एक्स का दोस्तों फॉर्मूला था ना, तो हम लोग साइन क्यूब में कर रहे हैं तो फिर फोर नीचे हो जाएगा, फोर दोस्तों नीचे हो जाएगा और यहाँ पे साइन थ्री एक्स आ जाएगा, ठीक है साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, दैट इज थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ओके यहाँ से आप साइन क्यूब निकाल लो। तो अब दोस्तों ये और सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, अभी सीधा फोर साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स मतलब साइन एक्स, साइन एक्स बाई फोर और ये माइनस माइनस प्लस वन बाई फोर टू साइन थ्री एक्स। दोस्तों ये आपका हो गया वी ऑफ एक्स कॉमा जीरो, ठीक है अब आप इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका ए में दोस्तों क्या निकालना, डी एन निकालना पहले, है ना डी एन क्या है फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो। दोस्तों मैं यहाँ पे डी एन निकालता हूँ, फिर डी एन क्या हो जाएगा, लेंथ दोस्तों कितना है पाई है, सो टू अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो से पाई, और फिर फंक्शन क्या दोस्तों अपने पास वन अपॉन फोर इंटू साइन एक्स प्लस वन अपॉन फोर इंटू साइन थ्री एक्स, और यहाँ पे आएगा दोस्तों साइन ऑफ एन एक्स पाई अपॉन एल, एल दोस्तों पाई है ना, तो ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है तो आपको मिलता है खाली टू अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो से लेकर के पाई तक वन अपॉन फोर साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस, दोस्तों टू अपॉन पाई वापस पार रखो और ये जीरो से लेकर के पाई तक वन अपॉन फोर साइन थ्री एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब दोस्तों आपका डी एन हो गया। अब आप दोस्तों आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो, मैंने आपको इंटीग्रेट करने का इसका डायरेक्ट ट्रिक दिया हुआ है, ये दोस्तों खाली एन इक्वल टू वन के लिए एग्जिस्ट करेगा, बाकी सबके लिए जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ से सिर्फ डी वन मिलने वाला है, ये टू अपॉन पाई होगा, ये वन अपॉन फोर ऐसे रहने दो और इसका इंटीग्रेशन दोस्तों पाई बाई टू हो जाएगा, है ना, बाकी ये तो जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे वन इक्वल नहीं होगा। तो दोस्तों डी वन मिल जाएगा मुझे वन बाई फोर, और दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से डी थ्री, डी थ्री भी क्या मिल जाएगा वापस वन बाई फोर। दोस्तों डी वन और डी थ्री तो मुझे मिल चुके हैं, अब इस सोल्यूशन में पुट करते हैं, आओ अभी सोल्यूशन दोस्तों पुट कर दो। तो वी ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा आपका, ये दोस्तों सिर्फ दो टर्म के लिए खुलेगा, एक डी वन के लिए और एक डी थ्री के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख लो डी वन एंड देन साइन ऑफ थ्री एक्स कर लो, सॉरी साइन ऑफ एक्स करो पहले दोस्तों, क्योंकि एल तो पाई है तो पाई पाई कैंसिल होगा, तो ये दोस्तों साइन एक्स हो गया और ई का पावर माइनस सी भी यहाँ पे वन है, सी मतलब दोस्तों डिफ्यूजिविटी कॉन्स्टेंट यहाँ पे रहता है सी विच इज वन, ठीक है तो माइनस सी टाइम्स एन स्क्वायर मतलब वन और ये पाई पाई सब कैंसिल हो गया दोस्तों, खाली टी होगा बराबर, एंड प्लस डी टू तो जीरो है, डी थ्री मिलेगा, डी थ्री इंटू दोस्तों डी थ्री इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ ये हो जाएगा थ्री एक्स और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइनटी, ठीक है दोस्तों डी थ्री और डी वन की वैल्यू पुट कर दो, दोनों वन बाई फोर है कॉमन निकाल लो, ठीक है तो दोस्तों ये हो जाएगा ई का पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस ई का पावर माइनस नाइनटी साइन थ्री एक्स। अब दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ए, ठीक है इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है चलिए आप इसे देखिए। अभी आपको दोस्तों एफ नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन दे दिया, ठीक है एफ ऑफ जेड इक्वल टू पाई एफ ऑफ जेड कॉट पाई जेड एंड द रेसिड्यू पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ठीक है तो आपका जो एफ ऑफ जेड है वो है पाई एफ ऑफ जेड इंटू कॉट, दोस्तों आप ऐसा लिख लो आप cos pi z upon sin of pi z, f दोस्तों एनालिटिक दिया है तो ये रेसिड्यू वाले पार्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और अगर आपको दोस्तों रेसिड्यू कभी ऐसा निकालना हो रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट z इक्वल टू z नॉट और दोस्तों p by z upon q by z का दिया हो, ओके अगर ऐसा हो दोस्तों मतलब आपका फंक्शन बेसिकली
आपका फंक्शन दोस्तों इस टाइप का होगा, हाँ, p ऑफ z अपॉन q ऑफ z टाइप का। रेसिड्यू दोस्तों f पे निकालना हो तो लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, ये दोस्तों सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, p ऑफ z अपॉन q डैश ऑफ z, ठीक है, इस पे पुट कर दो आप। तो आ जाओ, रेसिड्यू किस पे निकालना है हम लोग को, n बिलोंग टू z पे। तो सिंपल दोस्तों सॉल्व कर लो, लिमिट z टेंड्स टू n, ओके, एंड पाई इंटू f ऑफ z देन cos पाई z अपॉन sin पाई z। f दोस्तों एनालिटिक है इसलिए हम लोग को u अपॉन v तो कुछ नहीं करना है, u तो ऐसे रहेगा वैसे भी, तो लिमिट z टेंड्स टू n करवा, पाई दोस्तों ऐसे ही पड़ा रहेगा, f ऑफ z भी ऐसे होगा, cos भी ऐसे ही रहेगा, और sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos पाई z इंटू पाई। अब दोस्तों ये पाई और पाई कैंसिल, ये cos पाई कैंसिल, सीधा पुट कर दो, f ऑफ n आ जाएगा, b ऑप्शन, ठीक है। चलो इसे देखते हैं, लेट द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बी गिवन बाय f ऑफ u, 0। दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया होगा, इसको सॉल्व करने के लिए लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो बाय द मेथड ऑफ लैग्रेंज, जो दोस्तों क्या रहता है, आपको इसको कंपेयर करना है, p इंटू पी प्लस q इंटू क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पे दोस्तों p रहता है डेल सी ओवर डेल एक्स, एंड q रहता है आपका डेल सी ओवर डेल वाई, और r तो आपको पता ही है। तो अब सीधा आप दोस्तों इसको कंपेयर करो, लैग्रेंज मेथड ये होता है ना, dx एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इक्वल टू डी जेड ओवर आर। चलो इसमें आप पुट कर दो सब कुछ, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैं दोस्तों यहाँ से लिखता हूँ, सो डी एक्स अपॉन पी अपने पास है 2xy माइनस 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन 2 टाइम्स x माइनस y, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको दो पेयर लेके सॉल्व करने रहते हैं, और C1 C2 के फॉर्म में आंसर निकालना रहता है, एफ ऑफ C1 इक्वल टू C2, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ C1 कॉमा C2 इक्वल टू 0, और वो वही आपसे मांग रहा है, ठीक है, कि वो कौन से U और V आएंगे या कौन से C1 C2 आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करें, तो आप सिंपल सा एक पेयर पकड़ लो कोई, तो मैं दोस्तों ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ इसको, आपको दोस्तों ऐसे करना है कि नीचे वाला पार्ट पूरा ना 0 बन जाए एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे सिर्फ 2x है ना, अगर यहाँ पे x स्क्वायर y आ जाए और यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर y आ जाए, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ, सोचिए अगर यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे y आ गया तो यहाँ भी y आ जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो यहाँ भी x आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, और ये 2 को ना हम लोग ऊपर ले लेते हैं सपोज, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 चला जाएगा। अब दोस्तों आप ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया सबको नीचे ही, तो क्या होगा, x और ये x गया, yz गया, 2x स्क्वायर गया। इसका मतलब दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा आइडिया, x dx प्लस y dy प्लस 1/2 dz अपॉन, ये तो पूरा 0 रहेगा, इक्वल टू किसी एक कोई पकड़ लो, क्या करना है क्योंकि 0 ही बनने वाला हो, सो डी एक्स अपॉन 2xy माइनस 1 कर लो, ठीक है, ये दोस्तों 0 यहाँ पे जाने के बाद पूरा सबको 0 बना के रख देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 1/2 dz इक्वल टू 0, ओके। अब आप सीधा दोस्तों उसको इंटीग्रेट कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोस्तों ये चीज हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगी वाई स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगी जस्ट जेड बाय 2 इक्वल टू सम कांस्टेंट, या इसको यू कॉल कर लो, बस कांस्टेंट है ना, यू कॉल कर लो, ओके। अब इसको दोस्तों यहाँ से 2 उड़ा लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू यू डैश, ठीक है, एक कर्व निकल गया। अब देखने का कोई ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकता है क्या, हाँ दोस्तों, u आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड आना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे तो b ऑप्शन गलत हो गया, d ऑप्शन गलत हो गया, और ये प्लस होना चाहिए तो c भी गलत हो गया, मतलब a सही हो जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका a ऑप्शन करेक्ट है,
ठीक है। अब दोस्तों 32 देखिए आप, बहुत इजी है एकदम, डायरेक्टली दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम स्टेटमेंट पूछा है। अगर दोस्तों एडिटिव ग्रुप है ना, मतलब क्यू प्लस वाला, ठीक है, क्यू प्लस से लेकर के ना क्यू प्लस तक, ओके, अगर आपके पास दोस्तों कोई होमोमॉर्फिज्म मिल गया ना नॉन ट्रिवियल, तो एवरी होमोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म, इनकी दोस्तों प्रॉपर्टी है, एवरी होमोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, क्यू प्लस से लेकर के क्यू प्लस में दोस्तों अगर आपको होमोमॉर्फिज्म मिला तो होमोमॉर्फिज्म नहीं हो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये ऑप्शन तो ट्रू है। अब ये कह रहा है एनी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये भी सच है दोस्तों, अगर जी मॉड एच में, ठीक है, अगर जी साइक्लिक रहा दोस्तों, अगर इफ जी साइक्लिक, ठीक है, तो जी मॉड एच को भी साइक्लिक बना देता है वो, तो ये भी ट्रू है सेकंड भी। अब थर्ड कह रहा है इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप देन जी इज अबेलियन, दोस्तों ये तो बड़ी गलत बात बोल दिया इसने, एवरी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप तो जी अबेलियन है, नहीं दोस्तों क्यू एट ले लो आप, ठीक है, क्यू एट के पास दोस्तों आप अगर सब ग्रुप देखेंगे तो जिसके जितने सब ग्रुप है सबके सब नॉर्मल है, ठीक है, सबके सब नॉर्मल है, पर ग्रुप तो अबेलियन नहीं है, ओके, ग्रुप अबेलियन है क्योंकि इसके दोस्तों सब ग्रुप है चार चार ऑर्डर के हैं, और इन दोनों का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 8/2 क्या हो जा रहा है, 8/4 क्या हो जा रहा है, 2, और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दो ऑर्डर का अगर इंडेक्स है तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा उस ग्रुप में, तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल मिला हमें। अब ये कह रहा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 साइक्लिक, तो दोस्तों साइक्लिक चेक करने के लिए आप इसको सीधा ऐसे लिख लो 3 × 11। अब दोस्तों ये पी क्यू टाइप का ग्रुप है, पी क्यू टाइप का ग्रुप को दोस्तों साइक्लिक होने के लिए इफ जी इज इक्वल टू पी क्यू है, तो जी दोस्तों साइक्लिक तब होगा इफ पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, तो दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा तो ये 3 × 11 है, और दोस्तों जी साइक्लिक होगा क्योंकि 3 डज नॉट डिवाइड 11 - 1, सही बात, तो दोस्तों कोई भी 33 ऑर्डर का ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा, तो ये तो प्रूव है, तो मतलब 1, 2 and 4, तो दोस्तों 1, 2 and 4 सी ऑप्शन है, ठीक है। अभी आप ये देख लीजिए डिरिचलेट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा दोस्तों ये भी, ठीक है, डिरिचलेट प्रॉब्लम दोस्तों दिखने में अगर आपको डराना लगे तो आप थोड़ा सा फूरियर सीरीज देख लेना एक बार, क्योंकि दोस्तों अगर आपको फूरियर सीरीज आएगी तो ये चीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आप ये देख सकते हो कि इसमें साइन थीटा मिसिंग है, साइन थीटा दोस्तों कहीं है ही नहीं, है तो ये फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज अगर आप दोस्तों देखेंगे तो दिखने में फूरियर सीरीज कैसी होती है, ऐसी ना, f of x equal to d0/2 plus summation n equals 1 से infinity dn cos nx plus en sin nx, ठीक, ये ऐसी रहती है फूरियर सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने कंपेयर किया तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि en तो यहाँ पे सब जीरो है पूरा, है ना, en तो जीरो, कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब हम लोग को सिर्फ dn निकालना है और d0 निकालना है, ठीक है दोस्तों, dn और d0 निकालना है, सीरीज से कंपेयर कर लेना है, तो चलो और निकाल लेते हैं। तो अब आपको दोस्तों d0 निकालना है, तो d0 निकालने के लिए आप सिंपली जो दोस्तों फोरियर सीरीज का फॉर्मूला वही अप्लाई कर दो, माइनस पाई से पाई तक एफ ऑफ थीटा डी थीटा, दोस्तों ये यू आर थीटा है, आर इक्वल टू वन दिया है, यहाँ पे इसको आर समझना आप, हाँ, तो यू आर थीटा दोस्तों जो होता है वो एफ ऑफ थीटा होता है हमारा, एफ ऑफ थीटा क्या है यहाँ पे, मॉड थीटा है, माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ थीटा डी थीटा, अब दोस्तों मॉड इवन फंक्शन है तो ये तो 2/π हो जाएगा और इंटीग्रल ओवर 0 से पाई हो जाएगा, मॉड थीटा पॉजिटिव तो थीटा डी थीटा उठा लो, अभी हो जाएगा 2/π और दोस्तों ये अपॉन 2 और यहाँ पे ये पाई स्क्वायर, सो 2 and 2 गेट्स कैंसल, पाई पाई यू गेट आंसर पाई, दोस्तों d0 हमें मिल चुका पाई, d0 के दोस्तों पाई मिलते ही ऑप्शन बी गलत, ठीक है। अब आप क्या निकाल लो, dn निकाल लो तुरंत, तो dn दोस्तों क्या होगा, वापस होगी 1/π इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन थीटा डी थीटा, तो दोस्तों दोनों के दोनों इवन फंक्शन है तो आप इसको आप सीधा उठा लो 2/π लिख लो और ये 0 से पाई हो गया,
सो थीटा इंटू कॉस ऑफ एन थीटा डी थीटा। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लो नॉर्मल, तो 2/π दोस्तों ऐसे ही होगा और ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन एन थीटा अपॉन एन, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to π, माइनस थीटा का डेरिवेटिव दोस्तों 1, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, मतलब कॉस एन थीटा अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to π एंड यू गेट डी एन इक्वल टू, दोस्तों ये पार्ट तो पाई पढ़ते 0 और ये वाला 0 पढ़ते 0, मतलब ये तो 0 हो गया। जस्ट दोस्तों क्या बचता है, 2/π तो ऐसे ही रहेगा और ये 1/n² भी ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों cos n पाए तो वो होता है -1/n, cos n पाए दोस्तों -1/n है, ठीक है, और cos 0 is -1। ओके, तो आ चुका अपने पास dn इक्वल टू 2/π। अब हम लोग सीरीज में पुट कर देते हैं, तो दोस्तों आपका जो फंक्शन हो जाएगा यू आर थीटा बेसिकली वो हो जाएगा d0/2, d0 दोस्तों पाई आया था, तो पाई बाई टू प्लस समेशन r इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी dn, dn इज 2/π एंड देन -1/n -1/n² इंटू कॉस ऑफ n थीटा। ओके, तो अगर आपने दोस्तों सीरीज को कंपेयर किया तो यहाँ पे 2/π नहीं है, तो ये ए गलत हो गया, यहाँ पे दोस्तों 2/π तो है लेकिन माइनस में है, तो ये भी गलत हो गया, तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हाँ, और दोस्तों एक मेरा ये डिरिचलेट प्रॉब्लम था, इसलिए सीरीज में ना यहाँ पे r/a भी आएगा, r/a^n भी आएगा, ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करूँगा अभी। तो r/a दोस्तों क्या है हमारा, तो खाली आपको ये देखना है कि किससे छोटा है वो, r इज लेस देन a रहता है, a हमारा 1 है, दोस्तों 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो r का पावर n होगा खाली आंसर, ठीक है, तो ऐड कर लो इसे, आ जाओ 35 है, 35 दोस्तों कह रहा है कि the ring z under root -5 is PID, ओके, इसका दोस्तों आपको एक रूल देता हूँ, I U E और यहाँ दोस्तों गैप गया, इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन एंड फील्ड, ठीक है। और अब दोस्तों ये ध्यान रखना कि Z अंडर रूट माइनस पी ओके इज नेवर UFD ओके फॉर पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो दोस्तों ये चीज Z अंडर रूट माइनस पी कभी भी UFD नहीं बन सकता, ओके, पी ग्रेटर देन 3 के लिए, ठीक है, बाकी के लिए दोस्तों है, बाकी के लिए तो है, पी लेस देन 3 के लिए वो UFD है, मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो जेड अंडर रूट माइनस पी दोस्तों, पी यहाँ पे क्या है, ये तो ऑप्शन ट्रू हो गया क्योंकि ये पी 1 से छोटा है दोस्तों, तो इसके लिए तो ये है, मतलब ट्रू हो गया। द रिंग जेड अंडर रूट माइनस 5 PID, तो दोस्तों ये UFD ही नहीं है, अगर ये UFD नहीं है तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब PID नहीं बन पाएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दोस्तों आप थर्ड पे आ जाओ, तो इन पॉलीनोमियल रिंग Z2X द आइडियल जनरेटेड बाय x³ + x+1 इज मैक्सिमल आइडियल। तो दोस्तों अगर आपको मैक्सिमल आइडियल चेक करना है तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि वो इरिड्यूसिबल है कि नहीं, ठीक है, इरिड्यूसिबल है कि नहीं, तो हम लोग या तो आप उसके रूट भी चेक करते हो, तो आप पी ऑफ एक्स ले लो दोस्तों, x³ + x+1 और आप पी ऑफ 0 चेक कर लो, क्या आ रहा है, 0 + 0 + 1 मतलब 1 आया, और पी ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 + 1 + 1 आ रहा है दोस्तों, ये कहीं पे भी 0 नहीं हुआ और ना ही ये 0 हुआ, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि पी ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन Z2। अगर दोस्तों ये इरिड्यूसिबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमल, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमल आइडियल हमेशा इरिड्यूसिबल होता है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। अब फोर्थ देखते हैं, वो कह रहा है कि Z3 के अंदर दोस्तों ये चीज ना प्राइम आइडियल है, ओके, तो प्राइम आइडियल चेक करने के लिए वापस आप मैक्सिमल चेक करो, क्योंकि अगर मैक्सिमल नहीं रहा तो प्राइम भी नहीं होगा, बिकॉज एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, अगर मैक्सिमल ही नहीं है तो प्राइम भी नहीं होगा। हाँ, तो इन Z3X, और यहाँ पे दोस्तों आप मैक्सिमल चेक करने के लिए प्लीज ये चीज मत करना, इसको बोलते हैं मॉडुलो पी टेस्ट, ये दोस्तों यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 6 है और ये सिर्फ जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ 3, 2 या 3 डिग्री से कम वाले लोग के लिए वैलिड है, ओके, तो आप इसमें अप्लाई मत करना।
जेड थ्री में आप थोड़ा सा आपको दोस्तों प्रॉपर मिलने होंगे, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पूरा सिस्टम मिल गया, एक्स का पावर 6+1 को आप ऐसे लिख लो ना, एक्स के पावर 3 का स्क्वायर, नहीं, ऐसा मतलब एक्स को, क्योंकि प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन क्यूब में फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब तो आप अप्लाई कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वन। तो दोस्तों ये देखो, ना ये यूनिट है ना ये यूनिट है ना, और इसकी डिग्री 6 थी, लेकिन ये दो, इसको दोस्तों आपने दो में तोड़ दिया, एक की डिग्री 2 एक की डिग्री 4, मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि ये मैक्सिमल ही नहीं है, ओके। इसका मतलब x6 प्लस 1 इज नॉट मैक्सिमल। तो दोस्तों नॉट मैक्सिमल मतलब नॉट प्राइम, ओके। तो दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो सिर्फ 1 और 3 करेक्ट है, और ऐसा दोस्तों बी ऑप्शन है। ये दोस्तों वापस लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम 36, देखिए काफी इंटरेस्टिंग है भी। एंड दोस्तों 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसके 0, 2 और a उसके क्या है दोस्तों, आइगन वेक्टर्स हैं। दोस्तों रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक हिंट है अपने लिए, और आइगन वैल्यूज भी दिया है, आइगन वेक्टर भी दिया है, और ये आपने उसने 4 स्टेटमेंट दिए। तो चलो आओ देखते हैं दोस्तों। तो मैं लैम्डा 1 पकड़ता हूँ, लैम्डा 2 पकड़ता हूँ, लैम्डा 3 पकड़ता हूँ। दोस्तों लैम्डा 1 मैंने 0 रखा है, इसको मैंने 2 रखा है, इसको मैंने a रख लिया है। इसके करस्पॉन्डिंग दोस्तों आइगन वेक्टर है मेरा 4, b और c। इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर है मेरा -1, 2 और 0। इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर है मेरा 1, 1 और 1, ठीक है। अब आपसे दोस्तों क्या बोला उसने, a+b - c जो है 10 है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग के पास दोस्तों 3x3 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, एंड इसके दोस्तों जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना, इसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं, अगर लीनियर अगर दोस्तों रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो उसके दोस्तों जो आइगन वेक्टर आएंगे वो बेसिकली एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होते हैं, ओके। एंड डिस्टिंक्ट, वन सेकंड, एंड आइगन वेक्टर्स कोरस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है दोस्तों। अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आई तो उनके जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों दो प्रॉपर्टी उठा सकते हैं, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिनके जो आइगन वेक्टर हैं ये क्या है, एक दूसरे को लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चलाओ दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लैम्डा 1 के लिए आइगन वेक्टर को दोस्तों मैं कहता हूँ, इसको यू बोला ना नाम, इसको यू दे दो, इसको वी नाम दे दो, इसको डब्ल्यू दे दो। तो आप कहोगे दोस्तों कि सिंस यू इंटू वी इक्वल टू जीरो, बराबर, यू इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा कि यू क्या दोस्तों, 4b, 4b, c इंटू इंटू यू वी इज -1, 2, 0 इक्वल टू जीरो। यहाँ से दोस्तों आपको मिल जाएगा -4 + 2b इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दोस्तों b क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो u इंटू डब्ल्यू भी तो जीरो होगा। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि 4 × b × c × 1, 1, 1 इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों हम लोग को मिल जाएगा 4 + b + c इक्वल टू जीरो, सिंस b इज 2, ओके। दोस्तों b अगर 2 है अपना तो ये क्या हो जाएगा, 6 + c इक्वल टू जीरो, मतलब c क्या हो गया हमारा -6। अब आप दोस्तों दूसरा वेक्टर देखिए, v इंटू डब्ल्यू,
2 इंटू डब्ल्यू दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो माइनस वन इंटू वन माइनस वन प्लस टू, ओके दोस्तों ये जीरो नहीं हो रहा है, ओके ये जीरो नहीं हो रहा है। इससे दोस्तों क्या साबित हुआ कि इसकी जो आइगन वैल्यूज है ना वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अब कौन से दो वेक्टर जीरो नहीं हो रहे हैं, वी और डब्ल्यू। दोस्तों वी कौन सी आइगन वैल्यू के लिए मिला है हमें, टू, इसका मतलब ये जो डब्ल्यू है ना ये भी टू ही है, इसका मतलब दोस्तों ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, ओके इसका मतलब ए इक्वल टू टू हो गया। अब आपको क्या बोला है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू टेन, इज इट ट्रू, तो ए टू है बी टू है माइनस ऑफ माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू टेन, तो ये स्टेटमेंट तो दोस्तों ट्रू है, ओके अब सेकंड आप देख लो, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड दोस्तों आपको कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका x 0 3 by 2 1 by 2 का ट्रांसपोज सैटिस्फाइड mx + v इक्वल टू w, ओके v + w, तो दोस्तों आप इसको एकदम आसानी से देख सकते हो, डायरेक्ट आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लो ना डायरेक्ट, m क्या हो जाएगा आपका सीधा सा फिट कर लो 0 2 2 ये इसकी आइगन वैल्यूज है और बाकी के दोस्तों आप जीरो रख लो कोई टेंशन नहीं, और x कोई भी वेक्टर ले लो आप, ठीक है x को दोस्तों आप कोई भी वेक्टर ले लो, सिंपल है ना आपसे, ठीक है सॉरी x इक्वल टू दिया आपको 0 3 बाय 2 1 बाय 2, तो दोस्तों यहाँ पे आप पुट करो देखो 0 3 बाय 2 1 बाय 2, जरा इसको सॉल्व करो देखो आपको क्या मिलता है, दोस्तों ये डायगनल है और ये भी डायगनल है, तो खाली डायगनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 3 क्रॉस 3 और ये दोस्तों 3 रो 1 कॉलम, तो आने वाला मैट्रिक्स दोस्तों 3 रो 1 कॉलम का होगा। अब आप देखिए क्या होगा, 0 इंटू 0 0 0 सब दोस्तों क्या हो जाएंगे 0, फिर ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1, ये दोस्तों आपका हो गया m इंटू x ट्रांसपोज। अब आप जरा v प्लस w को करके देख लो, तो v प्लस w क्या मिल रहा है आपको, व्हाट इज v, v दोस्तों आपको दिया हुआ है माइनस 1 2 0, ओके माइनस 1 2 0 और w है आपका 1 1 1, तो जरा आप देख लो 1 माइनस 1 0 2 प्लस 1 3 0 प्लस 1 1, तो दोस्तों ये तो ट्रू है, दिस इज इक्वल टू v प्लस w, मतलब सेकंड ऑप्शन ट्रू है, सॉरी सेकंड, सेकंड दोस्तों ट्रू है। अब ये कह रहा है फॉर एनी डी स्पैनिंग यू वी एंड डब्ल्यू एम एक्स इक्वल टू डी हैज अ सॉल्यूशन, दोस्तों ये चीज नहीं होगी, ओके ये चीज दोस्तों नहीं होगी, क्योंकि एम एक्स इक्वल टू डी हैज अ सॉल्यूशन दोस्तों तब होगा जब ये सबके सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तब ना, लेकिन यहाँ पे वी और डब्ल्यू का दोस्तों corresponding eigen value same थी, तो उनके vectors नहीं हो सकते, तो ये तो गलत होगा। अब fourth पे आ जाओ, ये कह रहा है the matrix of the matrix m square plus 2m is 8, okay? तो इसको दोस्तों हम लोग eigen value से solve कर लेंगे, eigen value of m क्या है दोस्तों, 0 है 2 है 2 है, तो eigen value of m square क्या होंगी, 0 होंगी 4 होंगी 4 होंगी, तो दोस्तों eigen value of 2m क्या होंगी, 0 होंगी 4 होंगी 4 होंगी, ठीक है 0 होंगी 4 होंगी 4 होंगी, और आइगन वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m क्या होंगी, दोस्तों ऐड कर लो सबको 0 4 4 प्लस 0 4 4 और ये हो जाएगा 0 8 8, तो दोस्तों ये हो गई m स्क्वायर प्लस 2m की आइगन वैल्यूज। अब इसने आपसे क्या कहा है कि ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 8, तो दोस्तों आइगन वैल्यू का सम हमेशा क्या होता है ट्रेस, तो अगर आपने इनका सम किया तो आपको क्या मिलता है 16 ना, मतलब ट्रेस 16 आना चाहिए था, यहाँ पर इसने बोला 8, तो मतलब ये भी गलत हो गया, फिर से पॉज हो गया, इसका मतलब दोस्तों इसने सिर्फ ये ऑप्शन ही करेक्ट है, खाली 1 सही है और 2 सही है दोस्तों, ठीक है 3 नहीं होगा कि वापस वही सेम रीजन एम एक्स इक्वल टू डी हैज अ सॉल्यूशन। और दोस्तों एक मिनट, अगर ये सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधा बोल सकते हो एक आइगन वैल्यू जीरो दोस्तों मतलब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, तो उसके पास सॉल्यूशन कहाँ से होगा, क्योंकि ये गलत हो गया, तो इसका सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है 1 and 2 ओनली, बाकी दोनों गलत है। अभी आप दोस्तों यहाँ देखें 37, ये आपसे कह रहा है कि कंसिडर द रीजन, कुछ तो रीजन दिया हुआ है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द रीजन phi or omega onto the region this, then the area of the region S is equal to what, ठीक है, तो
जरा दोस्तों ध्यान से देखना, आपका जो मैप है वो क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई का पावर जेड है ना, ये ट्रांसफर कर रहा है। और किसको ट्रांसफर कर रहा है दोस्तों, एक्स प्लस आई वाई को। तो जरा हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस आई वाई। अब दोस्तों इसको आप ना कॉम्पोनेंट वाइज लिख लो, ठीक है, इसको आप कॉम्पोनेंट वाइज लिख लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू दोस्तों ई का पावर एक्स रहने दो, ऐसे ही ई का पावर आई वाई को आप ऑयलर आइडेंटिटी यूज कर लो, तो कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, तो आपको मिल जाएगा ई का पावर एक्स टाइम्स कॉस वाई कॉमा ई का पावर एक्स साइन वाई। ये हो गया दोस्तों आपका एफ एक्स वाई। तो आपका दोस्तों कंपोनेंट क्या हो गया, यू मिल गया आपको ई का पावर एक्स इंटू कॉस वाई, और वी क्या मिल गया आपको, ई का पावर एक्स इंटू साइन वाई। अब आप इनका दोस्तों जैकोबियन निकाल लीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना हम लोग यू और वी को, तो आप जैकोबियन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जे विल बी इक्वल टू ई का पावर एक्स कॉस वाई, वन सेकेंड इसको दोस्तों आप ऐसे मत लिख लीजिए, कंफ्यूजन होगी, आप पूरा लिख लीजिए कौन किस में ट्रांसफर हुआ है। सो डेल यू एंड वी आर नाउ गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू डेल ऑफ एक्स वाई, so that will give me del u over del x, del u over del y, del v over del x and del v over del y, that gives me u ko with respect to x up karenge to aapko yahi milega, with respect to y karenge to aapko milega minus e ka power x sin y, v ko x ke sath up karenge to aapko yahi milega wapas, aur x ko aap ke sath karenge y ke sath karenge to aapko milega e ka power x cos, और आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों e का पावर 2x cos square y माइनस माइनस प्लस e का पावर 2x sin square y, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों e का पावर 2x। ओके, ये आपका हो गया दोस्तों मॉड j, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल है, हम लोग ये रीजन जो अपना है जो दिया था अपने को x और y, तो डेल ऑफ u कॉमा v एंड डेल ऑफ x कॉमा y dx dy विल नाउ बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो दोस्तों खाली आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो y कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाय थ्री से पाई बाय थ्री, तो दोस्तों माइनस पाई बाय थ्री से लेकर के पाई बाय थ्री तक, और x मेरा है माइनस वन से लेकर के टू तक, इस चीज़ को आप इंटीग्रेट करो, देखो क्या मिलता है आपको, तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस पाई बाय थ्री से लेकर के पाई बाय थ्री तक माइनस वन का पावर टू, और ये हो जाएगा ई का पावर टू एक्स डी एक्स डी वाई। अब दोस्तों दीज टू फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप माइनस वन से लेकर के टू तक ई के पावर टू एक्स डी एक्स को एक तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, और माइनस पाई बाय थ्री से लेकर के पाई बाय थ्री तक कॉन्स्टेंट को अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा ई के पावर टू एक्स, बराबर, तो ये दे देगा हमको e का पावर 2x, ऐसे ही दोस्तों 1 अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस 1 से 2 इनटू, ये दोस्तों सीधा 2 पाई बाय 3 दिख रहा है ना ऐड करने के बाद। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल एंड इट विल गिव यू पाई बाय 3, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों e का पावर 4 माइनस e का पावर माइनस 2, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे देखिए 38 को, तो सॉल्यूशन दोस्तों कंसीडर द सीक्वेंस वेयर जी एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, जी एन डैश के बारे में बात किया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक जी एन के बारे में बात किया और बाकी सारी बातें जी एन डैश पे की हुई है। तो पहले आप जी एन के बारे में निकाल लो, ठीक है, तो आप जी एन के बारे में आप पहले निकालो, देखो क्या होता है, तो x अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल एंड n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल, ये जी एन के बारे में दोस्तों बात हो गई। तो अब x दोस्तों पूरा रियल है, ठीक है, x पूरा रियल है, और आपको चेक करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, तो आप देखिए, तो for x belonging to set of real limit n tends to infinity
जी एन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जी एन दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस एन वन अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों ये लिमिट एन पे है, एक्स आप कुछ भी रहने दो ये हमेशा जीरो पे जाएगा, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया. फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल, इसका मतलब क्या हो गया, जी एन कन्वर्जेस टू जी पॉइंट वाइज. दोस्तों ये तो पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो गया ऑन आर पे. अब यूनिफॉर्म चेक करना है हम लोग को, दोस्तों हम लोग एम एन टेस्ट कर लेते हैं. तो मैं एम एन टेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ. तो एम एन दोस्तों क्या हो जाएगा, सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर ओवर मॉड ऑफ जी एन ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. दोस्तों ये हो जाएगा सुप्रीम ऑफ एक्स ओवर आर मॉड ऑफ जी एन ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर. ओके नाउ आप इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है, तो बेटर दोस्तों उसका डेरिवेटिव ले लो आप, है ना, और देखो कहाँ पे जीरो बनता है. तो कंसिडर इसका पैसा ले लो, यू एन डैश ऑफ एक्स दोस्तों ये हो जाएगा वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, एक्स का डेरिवेटिव वन, फिर माइनस एक्स ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव टू एन एक्स. ठीक है, आपको इसको इक्वेट करना है जीरो के साथ. तो दोस्तों ये पूरा पार्टी जीरो हो जाएगी क्योंकि निगेटिव तो बनने से रही और जीरो हो नहीं सकती, और ये हो जाएगा वन माइनस एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि टू एन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर है. दोस्तों यहाँ से एक्स क्या मिल जाएगा, वन अपॉन रूट एन. ओके अब आप एम एन पुट करो, सो देयरफॉर एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू आर ओवर, तो दोस्तों एक्स आपको क्या मिला, वन बाय रूट एन ना, तो यहाँ पे आप वन बाय रूट एन पुट करो, और नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस एन इंटू वन अपॉन एन. ठीक है, तो ये दोस्तों एन एन कैंसिल हो गया. अब ये पूरा सुप्रीमम दोस्तों क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट एन. तो दोस्तों एम एन तो जीरो पे जा रहा है, एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस इम्प्लाइज जी एन कन्वर्जेस टू जी यूनिफॉर्मली. ये तो दोस्तों यूनिफॉर्मली हो गया, और इसने कहा है कि डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, तो ये तो पहले ही गलत हो गया. अब हमको क्या करना है, जी डैश के बारे में बात करनी है. दोस्तों आप पहले जी डैश निकाल लेते हैं. जी डैश दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, यहाँ पे ये ना, और वापस इसका डेरिवेटिव दोस्तों क्या हो जाएगा, वन प्लस एन स्क्वायर, और ये माइनस टू एन एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस एन एक्स स्क्वायर. ओके अब जब दोस्तों आपका एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तब देखो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा पूरा. ओके इसको आप जी एन डैश कॉल कर दो. ओके तो जी एन डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जस्ट वन, तो दोस्तों इसका लिमिट फंक्शन क्या आ जाएगा, जी एन डैश ऑफ एक्स वन. और जब दोस्तों एक्स आपका वन रहा, जब एक्स आपका वन रहा, तो जी एन डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हाँ लिमिट सॉरी हो जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन माइनस एन अपॉन वन प्लस एन का स्क्वायर. तो दोस्तों जीरो पे चला गया, मतलब लिमिट फंक्शन दोस्तों क्या हमारा आ गया, डिसकंटिन्यूअस. और अगर दोस्तों लिमिट फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो जी एन डैश कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं हो सकता. और इसने बोला है सी ऑप्शन में कि जी एन डैश कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, ये तो दोस्तों गलत है. अब प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ हो रही है, कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे, जीरो पे, उस इंटरवल में जिसमें दोस्तों जीरो पे प्रॉब्लम है कि वन पे प्रॉब्लम है. तो हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है, कि जीरो पे प्रॉब्लम है कि वन पे प्रॉब्लम है. तो सपोज दोस्तों अगर इसको प्रॉब्लम नहीं थी, सपोज एक्स जीरो नहीं है, मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ. सपोज एक्स इज नॉट जीरो, ठीक है, ये कुछ और वैल्यू है, आप कोई वैल्यू ले लो, और अब आप इसका लिमिट निकालो. अब आप इसका लिमिट निकालो दोस्तों, तो लिमिट क्या हो जाएगा, वन माइनस एन इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर. दोस्तों एक्स जीरो नहीं है, मतलब ये लिमिट कहाँ जाएगी, पूरी जीरो पे जाएगी. इसका मतलब दोस्तों जब एक्स इक्वल टू वन था तभी प्रॉब्लम था सिर्फ, सॉरी अगर दोस्तों मैंने x जीरो नहीं रखा तब ये लिमिट जीरो पे जा रही है, जबकि x जीरो था तो कहाँ पे जा रही थी, वन पे. मतलब मेन प्रॉब्लम किस पे, इसको उस इंटरवल पे जिसमें जीरो आता हो. ओके उस चीज पे प्रॉब्लम है जिसमें जीरो आता हो. दोस्तों इसे
तो इससे प्रॉब्लम वहां पे है जहाँ पे जीरो आता हो। तो इस हिसाब से दोस्तों अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल विच डज नॉट कंटेन जीरो, क्योंकि दोस्तों जीरो आ गया तो अपना लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन ट्रू है। अब आप इसे देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया दोस्तों, वाई ऑफ जीरो जीरो वाई ऑफ पाई के है, तो पूछ रहा है कि अल्फा इक्वल टू वन और अल्फा इक्वल टू वन, अल्फा इक्वल टू माइनस वन, अल्फा इक्वल टू माइनस वन। तो दोस्तों किस पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, सो दैट वाई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पहले आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो, इसके बाद निकालते हैं इसका सोल्यूशन। पहले आप इसको निकालो सही, तो ये क्या हो जाएगा, आओ देखिए। दोस्तों यहाँ पे मैं इन जनरल अल्फा सॉल्व करने के लिए पहले मैं अल्फा इक्वल टू काम करते हैं माइनस वन लेके चेक करो, क्योंकि माइनस वन थोड़ा इजी सॉल्व करना डायरेक्ट। सो लेट अल्फा इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि दोस्तों अल्फा माइनस वन दिया है ना। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, एम स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी स्क्वायर माइनस अल्फा ना, एम स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, मतलब एम क्या हो गया आपका प्लस और माइनस, प्लस और माइनस वन हो गया बराबर। तो आपका वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सी वन ई पावर एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एक्स। नाउ यू नो वाई ऑफ जीरो जीरो, सो जीरो इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, कॉल दिस इक्वेशन वन। देन यू हैव वाई ऑफ पाई इज के, सो के इक्वल टू के इक्वल्स टू सी वन ई पावर पाई प्लस सी टू ई पावर माइनस पाई। ऑलराइट, now we can solve them and find this. So instead I'll put c1 equal to minus c2, so I'll be getting c1 is minus c2, yahan pe put kar do to aapko kya milega, k equal to minus c2 into e power pi plus c2 e power minus pi. Now solve it further, so k equals to can I take c2 common, yes, I'll be getting e power minus pi minus e power pi. तो दोस्तों यहाँ से सी टू आपको मिल जाएगा ई पावर माइनस पाए माइनस ई पावर पाए के अपॉन, ओके के अपॉन दिस क्वांटिटी, ये सी टू हो गया। तो दोस्तों सी वन क्या हो जाएगा, माइनस सी टू है ना यहाँ से, तो सी वन हो जाएगा माइनस के अपॉन ई का पावर माइनस पाए माइनस ई का पावर पाए। अब दोस्तों सॉल्यूशन पुट करते हैं, तो वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सी वन क्या है माइनस के अपॉन ई का पावर माइनस पाए माइनस ई का पावर पाए है, ओके into e power x, e power x, और c2 क्या है plus a times on e का power minus pi minus e का power pi to e power minus x. Now can we take this entire quantity common, so you will get I'm planning to take common k common लेते दोस्तों, इनफैक्ट माइनस के कॉमन लें, के कॉमन लें, इसे कॉमन लेना चाहता हूँ। एक बार आप खाली पहले के कॉमन ले लो पहले, फिर देखते हैं। सो टेक के कॉमन, और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस पाए माइनस ई का पावर पाए, ओके, और ऊपर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस ई का पावर एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस ई का पावर माइनस एक्स। अब दोस्तों हम इसका पॉजिटिव बिहेवियर नहीं बता सकते या नेगेटिव बिहेवियर, तो हम लोग एक काम करते हैं इसके लिए, एक इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको अपॉन टू कर दो और इसको भी अपॉन टू कर दो, बैलेंस हो जाएंगे दोनों, और ये क्या हो जाएगा के अपॉन, दिस विल बी माइनस साइन हाइपरबोलिक पाई, और दोस्तों ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये भी वही है, लेकिन हाइपरबोलिक लिए ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स होता है ना, तो ये माइनस बाहर ले लो, ओके। तो मैं दोस्तों माइनस कॉमन लेते ही माइनस हो जाएगा, या करेक्ट। तो दोस्तों ये भी हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी साइन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, वो भी माइनस में, तो दोस्तों माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, के इन टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई। नाउ वॉच इट, अब दोस्तों ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव है, तब
सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों के पे। तो अब हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं यहीं पे। अगर के ग्रेटर देन जीरो है तो दोस्तों सोल्यूशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, यहीं से सीधा मालूम पड़ गया। हम लोग दोस्तों लकी थे जो अल्फा इक्वल टू माइनस वन लेके शुरू किए। तो ये भी खत्म हो गया दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों लीनियर अलजेब्रा से वापस, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग को थोड़ा ज्यादा खेलना होगा। P2 वेक्टर स्पेस ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। सिर्फ दोस्तों मेन मतलब यहाँ है हमें, तो मतलब 1xx² लेके शुरू करना है। अब यहाँ पे देखो आप, हाँ तो टी ऑफ 1 निकालेंगे दोस्तों। जब आप 1 ले रहे हो तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये B0 हो गया, C0 हो गया, है ना, क्योंकि A1 बचेगा सिर्फ। दोस्तों ये क्या मिलेगा आपको, 1, B0 है दोस्तों, B और C0 है, यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब 1+x² मिल रहा है। अब दोस्तों टी ऑफ एक्स निकालो, तो यहाँ पे दोस्तों जब आप x ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, A0 होगा और C0 होगा क्योंकि B1 है। तो दोस्तों जब B1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे C0 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, और ए और सी तो दोस्तों हमारे 0 है, तो 1+x हो जाएगा। अब आपको चाहिए दोस्तों टी ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिकली अब ए और बी 0 हो जाएंगे, आपको खाली सी मिलेगा, आपको खाली सी मिलेगा। तो ए और बी 0 हो गए, सी मतलब ये क्या हो गया, माइनस सी एक्स, एंड ए और सी दोस्तों तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आप मैट्रिक्स बना लीजिए, इसको आप इस टर्म में लिख दो, 1+x के लिए 0 आ जाएगा, 1+0 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स x² इसके लिए 1 × 1 प्लस 1 × x प्लस 0 × x² लिख लो, और यहाँ हो जाएगा 0 × 1 माइनस 1 × x प्लस 1 × x². दोस्तों मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस टी इक्वल टू 1 0 1, और ये 1 1 0, और ये 0 - 1, और ये 1। दोस्तों इस मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रेस देखा तो ये हो गया 3, जो कि ये ऑप्शन है, तो 4 तो करेक्ट है। अब ये कह रहा है आपसे कि नल स्पेस ऑफ टी इज दिस, तो दोस्तों आप नल स्पेस निकालें। नल स्पेस मतलब कर्नल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों कर्नल ऑफ टी अगर आप निकालेंगे, इट्स कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू पी टू सच दैट टी ऑफ एक्स इज 0। ओके, तो मतलब टी ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोस्तों ऐसे लोगों को निकालते आओ, मतलब ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप दोस्तों इसको कंपेयर करेंगे पॉलीनोमियल वाले से, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी 0 और बी माइनस सी 0 और ए प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि ए इक्वल टू माइनस बी ले लो, और यहाँ से आपको बी मिल जाएगा सी, और यहाँ से ए मिल जाएगा माइनस सी। तो दोस्तों कर्नल टी को आप सिर्फ एक वेक्टर में लिख सकते हो, तो चलो लिखें, आप सिर्फ इसको एक वेक्टर में लिख सकते हो। तो दोस्तों ए कॉमन ले लो सपोज। अब क्या कह रही ए प्लस बी 0, ओके फाइन। दोस्तों ए 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बी इक्वल टू माइनस ए तो था ही, तो ये माइनस 1 हो गया। सी बी इक्वल टू सी है, बट सी क्या है, माइनस ए है, तो मतलब दोस्तों ए भी 1 हो जाएगा। और सी तो दोस्तों क्या है अपने पास, सी इक्वल टू माइनस ए है, मतलब ए के साथ आ गया, तो ये भी 1 हो जाएगी। ठीक है, सो दैट अल्फा बिलोंग्स ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल। तो इसका मतलब दोस्तों क्या अपना कर्नल यही आ रहा है, माइनस 1 1 1। तो दोस्तों ये तो करेक्ट है नल स्पेस। ठीक है, नल स्पेस भी करेक्ट आ गया। अब आपसे क्या रहा है वो रेंज स्पेस, रेंज स्पेस स्पैंड बाय द सेट 1+x² 1+x। दोस्तों अभी जरा आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे रेंज स्पेस के लिए, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो दोस्तों इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो 1 - 1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 - 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 1 - 0 1 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों इस वेक्टर में v1 - v2 करने पे v3 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें से कोई एक की जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत नहीं दोस्तों, v3 की,
क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास v1 v2 है तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं v3 निकाल सकता हूँ। मतलब मुझे सिर्फ दोस्तों यही दो ही वेक्टर मिल जाएंगे जो मेरे रेंज स्पेस को स्पैन कर रहे हैं। अब स्पैन करने के लिए दोस्तों इनको क्या होना चाहिए, तो ये देखो अगर आप इनको बेसिस में लिखोगे तो 1x x² है। अब आप मल्टीप्लाई करो जरा तो आपको क्या मिलता है, 1 × 1 1 प्लस एक्स गया और ये क्या हो जाएगा, x² एक हो गया दोस्तों। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -1 + x। हाँ 1 सेकेंड, मैंने शायद कुछ गलत लिखा है। ये दोस्तों ये 1 1 0 ना, -1 कहाँ से आ गए। ठीक है, ये हो गया 1 और ये 1 + x। दोस्तों ये आपकी रेंज स्पेस को स्पैन कर रहे हैं, मतलब ये 2 भी करेक्ट है। अब हम लोग को चेक करना है दोस्तों t(t)(1 + x) क्या होगा। ठीक है, t(t)(1 + x) क्या होगा। दोस्तों पहले हम लोग ये निकालना होगा कि t(1 + x) क्या होगा, बाद में निकाल लेंगे। तो t(1 + x) दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप पहले t(1 + x) निकाल लो यहाँ पे। t(1 + x) मतलब दोस्तों अभी सिर्फ आपका c0 है बस, तो दोस्तों ये इस ट्रांसफॉर्मेशन में c0 डाल दो और बाकी सबको लिख लो। c0 डाल के बाकी सबको लिख लो। a क्या है, 1 है अपना, तो 1 हो गया। b क्या है, 1 है, मतलब 1 + x हो गया। यहीं पे मैं नीचे लिखता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा 1 + x, मतलब 2 + 1 + x, 1 + 1 x². ठीक है, बाकी सब गया तो 2 2 2 + x + x² आ गया। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, a = 2 हो गया और b = 1 है और c = 1 है। अब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालो तो क्या मिलेगा, a + b आ जाएगा। सबसे पहले नंबर a + b मतलब 2 + 1 क्या हो गया, 3। दोस्तों 3 आते हैं आप क्या कहोगे, ये तो कह रहा है 1 + x² चाहिए, ये तो गलत हो गया सीधा, हाँ क्योंकि सब प्लस में आने वाले हैं दोस्तों, ये तो गलत हो गया। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 1 2 एंड 4 करेक्ट दोस्तों, सी ऑप्शन। हाँ अब इसे सॉल्व करते हैं। सो कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और इसको दोस्तों आपको सॉल्व करना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म से, क्योंकि उन्होंने y(1) की वैल्यू पूछी है। तो आप दोस्तों लैपलेस ले लेते हैं इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको मिल जाएगा l(t) एंड देन y" प्लस 2 times y' प्लस dy इक्वल टू 0। फाइन, नाउ अब दोस्तों इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। ओके, यहाँ पे दोस्तों वो चीज प्ले होगी। तो जब आप कभी भी ऐसा करते हो l(t)(y)t ऐसा रहे दोस्तों, आपको उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना हो, तो ये चीज क्या हो जाता है, अब सपोज टी का पावर एन है ना, तो ये दोस्तों रहेगा पहले आपका -1 का पावर n इंटू dn अपॉन dsn का पावर n लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y(t)। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये -1 रहेगा और एक बार डेरिवेटिव होगा किसका, l(y)', इसको लिखेंगे पहले, बाद में पहले लिख लो। प्लस 2 times l(v) हो जाएगा दोस्तों y' प्लस, यहाँ भी दोस्तों वही सेम काम, क्योंकि t यहाँ भी मल्टीप्लाइड है, ये होगा माइनस टाइम्स और एक बार डेरिवेटिव, तो -1 d/ds ऑफ y₁। एक मिनट, मैं l(y) लिखता हूँ पहले, l(y) = 0। अब दोस्तों हम लोग ना l(y) मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को मैं डिनोट करूंगा y₁ से, तो ये चीज क्या हो जाएगा, -1 और ये दोस्तों क्या होगा, हाँ तो l(y)' पहले आप, तो दोस्तों l(y)' क्या होता है, --, इट्स बेसिकली -y′(0 -s(y)₀ +s² (y₁). ये होता है दोस्तों लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा -y′(0 -s(y)₀ एंड +s² (y₁। और यहाँ पे दोस्तों अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं है, डेरिवेटिव बाकी है, +2 times l(y)'। तो दोस्तों जैसे l" ये था, वैसे l(y)' आप ऐसे लिखोगे, -y₀ एक पावर कम -s times +s times y₁। बेसिकली तो मैं से यहाँ ना लिख करके नीचे लिखता हूँ, +2 times -y₀
एम प्लस एस टाइम्स वाई बार एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ एल ऑफ वाई मतलब वाई बार इक्वल टू जीरो। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लो आप अच्छे से पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी वाई डैश जीरो की वैल्यू दोस्तों आपको दी हुई है, वाई डैश जीरो आपको दिया हुआ है जीरो, कोई टेंशन नहीं, वाई ऑफ जीरो बन दिया है। इसमें दोस्तों सपोर्ट कर दो पूरा, तो माइनस वन टाइम्स वाई डैश जीरो जीरो दिया हुआ है छोड़ दो, माइनस डेरिवेटिव पहले आप लिख लो, एस इंटू वाई ऑफ जीरो कितना है वन है, तो माइनस एस एंड प्लस एस स्क्वायर वाई बार एंड प्लस टू टाइम्स वाई ऑफ जीरो वन दिया हुआ है, तो माइनस वन प्लस एस टाइम्स वाई बार माइनस डी बाई डी एस ऑफ वाई बार इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दोस्तों डेरिवेटिव परफॉर्म करो आप, तो माइनस वन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे दोस्तों आपको यू इंटू वी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन ऑफ एस है, तो एस स्क्वायर ऐसे ही वाई बार मतलब डी बाई डी एस ऑफ वाई बार प्लस वाई बार दोस्तों ऐसे ही एस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एस एंड माइनस टू प्लस टू एस इंटू वाई बार माइनस डी बाई डी एस ऑफ वाई बार इक्वल टू जीरो। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा पूरा वन, ये पूरा हो जाएगा दोस्तों वन, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ऑफ। ओके दोस्तों इसको ओपन कर दो आप, तो एस स्क्वायर इंटू डी बाई डी एस ऑफ वाई बार माइनस टू एस वाई बार माइनस टू एंड प्लस टू एस वाई बार माइनस डी बाई डी एस ऑफ वाई बार इक्वल टू जीरो। दोस्तों यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया और हमें मिलेगा वन माइनस टू मतलब माइनस वन एंड माइनस, आप यहाँ से एक चीज़ कॉमन ले सकते हो, एस स्क्वायर प्लस वन अगर आपने कॉमन लिया तो आपको ये मिल जाएगा डी बाई डी एस ऑफ वाई बार इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को मिल जाएगा डी बाई डी एस ऑफ वाई बार इक्वल टू, ये वन यहाँ पे ले लो, ये वन दोस्तों यहाँ पे ले लो, ये माइनस यहाँ पे रख शिफ्ट कर लो और ये नीचे एस स्क्वायर प्लस वन, ये मिला। अब दोस्तों क्या है, हमें हमारा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना है दोस्तों वो भी डेरिवेटिव्स में, तो ये चीज़ जो होगी वो उल्टा अप्लाई होगी, मतलब अगर आपको दोस्तों वाई बार चाहिए तो आपको पहले यहाँ पे माइनस वन का पावर एन करना होगा, टी का पावर एन करना होगा, और वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर का इनवर्स लैपलेस होता है दोस्तों साइन टी, क्योंकि साइन टी का लैपलेस होता है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर, तो दोस्तों इसका इनवर्स लैपलेस क्या होगा साइन टी, यहाँ पे एन का पावर दोस्तों वन है तो ये आप सिर्फ वन रखेंगे और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो वो माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, वाई बार आपको मिल जाएगा टी साइन टी, और आपसे यही पूछा उसने लैपलेस ट्रांसफॉर्म दोस्तों वाई ऑफ एस में वाई ऑफ वन पुट करना है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से वाई ऑफ वन पुट करके निकाल लीजिए, वाई ऑफ वन क्या आएगा, सो जस्ट साइन ऑफ वन निकालना है आपको लॉग से, या आप कैसे से भी निकाल सकते हो जैसे आपका मन हुआ, सो आई लीव इट टू यू, साइन ऑफ वन। अभी देखो 45 दोस्तों, ये भी काफी इजी प्रॉब्लम है, लेट आर बी द रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द कर्व्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू वन एक्स वाई इक्वल टू फाइव। दोस्तों अगर आप इसको प्लॉट करने जाएंगे तो फिर बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इसका रीजन इतना कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप देखो यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा, फिर वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर भी है, इसको भी ड्रॉ करो दोस्तों, ये भी ऐसा हो जाएगा, फिर y इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर मतलब थोड़ा सा मोटा इस टाइप में ऐसे, ठीक है, ये गया, फिर आपको एक्स वाई इक्वल टू फाइव दिया मतलब ये, फिर एक्स वाई इक्वल टू वन दिया मतलब ये, और आपका दोस्तों रीजन जो है वो ये है। अब अगर आपको दोस्तों जितना भी इंटीग्रेशन आता रहेगा सब आप इसमें भूल भी जाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया रीजन अभी, इसको आप देखो ना आपको तीन पार्ट में डिराइव करना पड़ेगा, एक ये फिर एक यहाँ के लिए, इससे बेटर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं किसी और में और फिर निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग, अभी
अब देखिए आपको क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और y अपॉन फोर भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एक मिनट, बस तो इसको ऐसे ना लेकर के हम लोग ऐसे लेते हैं, अपने का ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो दिखना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये चीज़ क्या है, y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन लिखा हुआ है और y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर लिखा हुआ है, और फिर दोस्तों एक्स वाई इक्वल टू वन है और एक्स वाई इक्वल टू फाइव है। तो ये चीज़ को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पुट u इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू एक्स वाई। तो दोस्तों हमें सीधा लिमिट मिल जाएंगी u इक्वल टू वन से u इक्वल टू फोर और v इक्वल टू वन से v इक्वल टू फाइव तक, सीधा मिल गया। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए रहेगा, जैकोबियन है ना, क्योंकि जो dx dy का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, जैकोबियन ना, मॉड ऑफ j इंटू du dv। तो अब ये क्या हो जाएगा, आओ देखें, तो दोस्तों जैकोबियन हो जाएगा आपका uv एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ, ओके हाँ, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा माइनस टू वाई अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर करेंगे तो सिर्फ वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वाई मिलेगा और इसको करेंगे तो एक्स मिलेगा। अब ये चीज हो जाएगी दोस्तों माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर एंड टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जाके दोस्तों माइनस थ्री वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन यू वाई का एक्स, यू का अगर एक्स वाई में लिए तो, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, एक्स से यू में जा रहा है। तो दोस्तों जैकोबियन उल्टा भी आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका उल्टा इसका, ओके, जो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री वाई। एक सेकंड दोस्तों, ये हम लोग ने उल्टा लिख दिया, इनफैक्ट डी एक्स डी वाई कर जाएगा दोस्तों, तो ये वन अपॉन मॉड जी हो जाएगा ना, वन अपॉन मॉड जी मतलब इस चीज का उल्टा, मतलब ये, तो ये क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डबल इंटीग्रल दोस्तों जो हमारा पूरा था वाई स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स डी वाई रीजन आर विल नाउ बी कन्वर्टेड टू डबल इंटीग्रल ऑफ दोस्तों माइनस वन अपॉन थ्री ऐसे रहने दो, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट को आप पहले लिखो वाई स्क्वायर बाई एक्स है ना, तो दोस्तों वाई स्क्वायर बाई एक्स है, हम लोग को यू वी में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं यहाँ पे करके देता हूँ। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे वाई स्क्वायर ओवर एक्स होगा और फिर आप जैकोबियन पुट करेंगे जो क्या है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री वाई है। तो दोस्तों ये देखो ये वाई और ये वाई कैंसिल होगा और ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिल रहा है माइनस ऑफ एक्स वाई है ना। एक मिनट, जब आप दोस्तों मॉड ले लेंगे इसका तो मॉड उड़ जाएगा, बेसिकली मॉड ऑफ ये लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा बेसिकली, और एक्स वाई क्या आपका यू वी है ना, तो दोस्तों ये वी टाइम्स डी यू डी वी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वन से लेकर के फोर तक, फाइव तक, और यू जा रहा है वन से लेकर के फोर तक, देख लीजिए आप वन से लेकर के फोर तक, वी वन से फाइव तक। अब आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर लीजिए और आपका हो जाएगा ये वन अपॉइंट थ्री बाहर, तो वन अपॉइंट थ्री दोस्तों यू इज इंडिपेंडेंट, तो दोस्तों ये हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री रहेगा, और ये वी स्क्वायर है मतलब वन अपॉइंट टू हो जाएगा, और फिर दोस्तों वी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर सॉरी फाइव का स्क्वायर माइनस वन, दोस्तों फाइव का स्क्वायर माइनस वन, तो ये फाइव का स्क्वायर वन ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर अपॉइंट टू विल गिव यू ट्वेल्व, तो इसका आंसर दोस्तों ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, अब 46 देखिए आप, 46 भी इजी है एकदम, आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं आराम से। कैसे, आपको दोस्तों W1 क्या दे दिया है कि वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर द रियल फील्ड, ओके, और ये दोस्तों हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और उसी हर्मिशियन मैट्रिक्स में दोस्तों एक कंस्ट्रेंट डाल दिया और पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा। तो दोस्तों इसका डायमेंशन क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, n स्क्वायर होता है, जब मैट्रिक्स दोस्तों c ओवर c होगी, लेकिन जब ओवर r रहेगी तो 2n स्क्वायर हो गया। अब
डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू मतलब दोस्तों ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए साथ में, तो ये एक कंस्टेंट हो गया ना, तो टू एन स्क्वायर माइनस वन इज द डायमेंशन। अब आपका दोस्तों एन यहाँ पे है, एन तो हमारा यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे पुट करो आप तो टू इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस वन मतलब थ्री इंटू टू नाइन, नाइन इंटू टू एटीन माइनस वन सेवनटीन, तो इसका आंसर दोस्तों सेवनटीन होगा। अब 47 देख लीजिए, 47 में दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉब्लम पूछा हुआ है गेट में, क्या दे दिया देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 चाहिए, और दोस्तों आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है Z60 इंटू Z50 का, और आपसे पूछा है कि कितने एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 15 है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना होगा ऑर्डर निकालने के लिए, सपोज कोई एलिमेंट है दोस्तों जो इसमें बिलोंग कर रहा है, से ए कॉमा बी में किस में बिलोंग कर रहा है, Z60 इंटू Z50 में, और आपको चाहिए ऑर्डर 15, तो इसका मतलब LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी क्या आना चाहिए आपको 15, तो आपको दोस्तों केसेस करने होंगे, सबके नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेने होंगे बस। तो मैं यहाँ पे केस लिखता हूँ, केस वन, तो दोस्तों सपोज यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए ले लो आप एक बार तीन, और ऑर्डर ऑफ बी ले लो पाँच, तब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 15, और फिर देखेंगे उसमें कितने एलिमेंट मिले। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू तीन हो गया दोस्तों, Z60 में तीन ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो आप सीधा कहोगे कि दो, Z60 में दोस्तों तीन ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो दो, क्योंकि ये 5 of 3 रहता है सीधा 5 of D डायरेक्ट, और पांच ऑर्डर के दोस्तों इसमें कितने हैं, तो सीधा 5 of 4 5 of 5 कर लो, और ये चीज़ क्या है 4 है, तो दोस्तों टोटल कितने हो गए, तो 4 into 2 विच इज इक्वल टू 8, तो दोस्तों केस वन से हमें 8 एलिमेंट मिले। केस टू ले लो कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आप उल्टा कर लो, अभी पहले 3 5 था, अभी 5 3 ले लो, और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 3 ले लो, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पांच ऑर्डर के 60 में भी 4 ही होंगे, लेकिन तीन ऑर्डर के 50 में Z50 में तो होंगे नहीं, क्योंकि 3 तो 50 को डिवाइड ही नहीं करता, तो यहाँ से दोस्तों आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। केस थ्री पकड़ो आप, केस थ्री में क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए को आप 1 ले लो, और ऑर्डर ऑफ बी को क्या ले लो आप 15 ले लो, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1, तो दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पे तो आइडेंटिटी है सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी है, लेकिन 15 ऑर्डर का एलिमेंट भी 50 में नहीं होगा, क्योंकि ये भी दोस्तों डिवाइड नहीं करता है, तो ये भी केस बकवास, हटा दो आप। अब आप केस फोर लो, यही सेम चीज उल्टा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए 15 ले लो और ऑर्डर ऑफ बी को 1 ले लो, अभी दोस्तों एलसीएम 15 है, और 15 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 ऑफ 15 दोस्तों कितना हो जाएगा 8, और 5 ऑफ बी मतलब क्या हो गया 1, तो यहाँ से भी आपको 8 एलिमेंट मिले। अब केस 5 क्या है, दोनों को 15 15 ले लो दोस्तों, ये भी 15 और ये भी 15, तो दोस्तों यहाँ पे 15 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 5 ऑफ 15, तो ये जाएंगे 8, नहीं दोस्तों 15 ऑफ 15 का एलसीएम थोड़ी होगा, 15 ऑफ 5 लो तब होगा, तो 5 ऑफ 5 ले लो, तो 5 ऑफ 5 क्या हो जाएगा 4, तो दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएंगे 32 एलिमेंट। तो दोस्तों यही इतने ही पॉसिबल केसेस थे जहाँ पे एलसीएम 15 आता, तो दोस्तों ये टोटल 32 प्लस 8 प्लस 8, तो 32 प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 48, दोस्तों टोटल एलिमेंट 48 हो गए। अभी देखिए आपको लेजेंड्री प्रॉब्लम दिया हुआ है, लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे दोस्तों ये सब भारी भरकम चीज जो भी दिया रहे, खाली आप वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ ध्यान देना कि आपको लेजेंड्री कंडीशन दिखना चाहिए और कि n क्या है, तो दोस्तों 6 × 6 को आपको ऐसे लिखना है, पहले तो n × n+1 के फॉर्म में, n × n+1 के फॉर्म में लिखना है 6 को, बराबर, तो आपको लगता है ऐसा लिखा हुआ है 2 × 2+1, तो मतलब दोस्तों हमारा n यहाँ पे क्या है 2 है, सबसे मेन चीज वो है कि दोस्तों यहाँ पे n इक्वल टू 2 है। तो मैं आपको लेजेंड्री का दोस्तों सॉल्यूशन लिख कर दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं, आप ध्यान देना दोस्तों, इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, y ऑफ x इसका होता है दोस्तों C0 y0x + C1 y1x, दोस्तों जहाँ पे ये y0 रहता है पूरा इवन फंक्शन, और ये y1 रहता है ऑड फंक्शन, और ये y0 y1 क्या है देखिए आप यहाँ पे y0 ऑफ x और यहाँ पे दोस्तों y1 ऑफ x, अब इनको लिखते हैं हम लोग, दोस्तों इनको लिखने के लिए पहले आप
ये y0 इवन है मतलब x का पावर 0 1 हो गया, और ये दोस्तों ऑड है तो प्लस माइनस, जैसे आप नॉर्मल सीरीज लिखते हो ना साइन और कोसाइन की प्लस माइनस में, वैसे दोस्तों इसे भी लिखना है। बस y0 को आप कैसे लिखोगे ध्यान देना, ये n है आपका, ये n प्लस 1 है, ये यहाँ पे n माइनस 1 है, ये n प्लस 2 है, और ये n माइनस 2 है, ये यहाँ n प्लस 3 ले लो, और ये यहाँ n माइनस 3 ले लो, और यहाँ दोस्तों ये n प्लस 4 होगा तो यहाँ पे n माइनस 4 होगा। शुरुआत दोस्तों यहाँ से होगी, यहाँ n इंटू n प्लस 1 से, दोस्तों ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन, ये हो जाएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल देन एक्स क्यूब, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गया, अब यहाँ पे दोस्तों प्लस और ये भी प्लस, अब देखना है क्या आता है आगे। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल, अब बचा कौन n माइनस 2, तो आपको दोस्तों n माइनस 2 से शुरू करना है और साथ में दोस्तों उसे भी पकड़ते हुए जाना है जितने एरो आपने नीचे रखे हैं। तो n माइनस 2 से जाएगा दोस्तों कहाँ तक, n प्लस 3 तक, और साथ में इसको लेते हुए जो एरो पकड़ा है, तो n माइनस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपॉन 2 हो गया, अब ये 4 होगा, 4 फैक्टोरियल x का पावर 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे दोस्तों n माइनस 2 तक हो चुका ना, अभी n माइनस 3 से लेकर के उल्टा एरो बना लीजिए आप n प्लस 4 तक, और लिख डालिए सबको n माइनस 3, और जिनको जिनको आपने लेके गए थे उनको पकड़ लो वापस, तो n माइनस 1 और फिर n प्लस 2 और n प्लस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू x का पावर 5। तो दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लो, तो y ऑफ x दोस्तों क्या हो जाएगा आपका c0, और दोस्तों आपको सिर्फ n इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है, n इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ है इस लेजेंडरी कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों n इक्वल टू 2 डालो, सॉल्यूशन लिखो, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, और दोस्तों n माइनस 2 यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये पूरा खत्म कर जाएगा। और जब अगली बार टर्म आएगा तो फिर से देखो जो यहाँ पे आया वो सब में आने वाला है, तो दोस्तों n माइनस 2 भी आगे आएगा, मतलब इसके आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0, मतलब ये यहीं पे वैनिश हो गया। और ये c1 यहाँ पे रखो, y1x दोस्तों यहाँ पे देखो ना, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये आपको पूरा लिखना होगा क्योंकि n प्लस 2 यहाँ पे आने वाला ही नहीं है, n माइनस 2 आने वाला ही नहीं है। सो x माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 2 4, तो 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, एंड प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, तो दोस्तों ये माइनस माइनस में कर लो इसको, या माइनस में कर लो, और 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 4 6, तो ये दोस्तों 24 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड देन एक्स का पावर 5 एंड सो ऑन। घबराने वाली दोस्तों कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपको दोस्तों वाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 बोला है, y of 1 इक्वल टू 1 बोला है, तो y of 1 इक्वल टू 1 के लिए दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा चेक करो आप, जब यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे c0 इंटू 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 पुट करना पड़ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों प्लस c1 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दोस्तों बड़ा सा टर्म कुछ तो आएगा। अब मेन प्रॉब्लम है कि C0 C1 कैसे निकालें, अब दोस्तों यहाँ पे C0 और C1 का प्रॉब्लम हो गया, तो अब C0 और C1 निकालने के लिए एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, एक मिनट दोस्तों, सर ये 2 कैंसिल होगा, 2 प्लस 1 दोस्तों 3 आएगा ना, ये 3 आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2। अब दोस्तों ये वैल्यू जो भी आ रही है आने दो, कोई टेंशन नहीं है आपको, दोस्तों C0 C1 अपने मन से चूज करना ऐसे कि यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो दोस्तों मैं C0 को अगर मैं -1/2 रख दूँ, अगर -1/2, और C1 को मैं 0 ले लूँ, तो दोस्तों ये जो फैक्टर खत्म ना हो ना उस चीज़ के कोएफिशिएंट को आप 0 डाल दो, क्योंकि C1 C0 आर्बिट्ररी है, कोई भी आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, खाली वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। तो अगर मैं आप दोस्तों -1/2 रखता हूँ और -2, देखो 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, C0 दोस्तों मैं क्या ले लेता हूँ -1/2, तो मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे, तो मेरा सॉल्यूशन दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हटा के दोस्तों मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि मुझे और भी सॉल्व करना है आगे,
तो पुट सी जीरो इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो दोस्तों ये ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब वाई ऑफ एक्स जो मेरा आ गया दोस्तों वो क्या आ गया, माइनस वन बाय टू इंटू वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा वाई ऑफ एक्स है। अब उन्होंने पूछा क्या है, इंटीग्रल माइनस वन से वन तक वाई ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों इंटीग्रल माइनस वन से वन तक, ये माइनस वन बाय टू को बाहर रखो, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की क्या होगा दोस्तों। ओके, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, ये माइनस वन बाय टू को दोस्तों हम लोग अंदर कर देते हैं। तो माइनस को अंदर किया दोस्तों, तो ये माइनस और माइनस उठ जाएगा और ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा ना, ताकि वो एक नाटक छूटा रहे। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई, सो यू गेट व्हाट, वन बाई टी वन बाई टू माइनस वन टू वन, एंड देन दोस्तों आपको मिल जाएगा थ्री एन एक्स स्क्वायर, मतलब थ्री एक्स फोर देन प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स 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 स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स डी एक्स। दोस्तों ये ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन की वजह से दोनों जीरो हो जाएंगे, खाली इसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों थ्री अपॉन फाइव और यहाँ पे टू और फिर ये दोस्तों वन। ठीक है, दोस्तों एक्स का पावर फोर और इवन फंक्शन है, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा जीरो से वन तक और ये वन अपॉन फाइव आ जाएगा, और यही हाल इसका भी है दोस्तों, एक्स स्क्वायर भी ये इवन फंक्शन है तो अपॉन थ्री आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो पूरा सॉल्व करने के बाद दोस्तों आ जाएगा आपको ये, लेट मी कैलकुलेट यूजिंग ख्याल सी, क्योंकि दोस्तों हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों ये पूरी वैल्यू आई 4/15। अब इसको दोस्तों अगर आप कैलसी से सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 0.2666। आप यहाँ पे लिख सकते हैं राउंड अप टू टू डेसिमल प्लेस, मतलब दोस्तों 0.267 आपने लिखे तो भी चलेगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त ये भी है। जेड दोस्तों 125 रिंग दिया आपको, ओके, अंडर एडिशन मॉडुलो 125 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 125। ठीक है दोस्तों, एम इज द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, ओके, सो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड 125 इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 125। दोस्तों इसमें जेड एन में डायरेक्टली आप नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल निकाल सकते हो, खाली 125 के डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर ढूंढ के। दोस्तों ये तो सीधा पी का क्यूब दिख रहा है ना, पाई का क्यूब है, तो मतलब दोस्तों सिर्फ एक ही है इसका मैक्सिमल आइडियल। अब दोस्तों पूछ रहे हैं आपसे एन इज द नंबर ऑफ नॉन यूनिट्स इन जेड 25, तो पहले आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकालो। नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड 125 दोस्तों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स दोस्तों मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो जेड 125 में। तो दोस्तों ये भी डायरेक्टली 5 ऑफ 125 निकलेगा, ओके, 5 ऑफ 125 निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 125 इक्वल टू 5 का क्यूब। अब दोस्तों आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब 5 ऑफ 125 के लिए एंड देन 1 माइनस 1 अपॉन 5। दोस्तों ये 4 और ये 25, तो मतलब ये हो जाएगा 100। तो दोस्तों नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 100 हैं, तो नॉन यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 125 में से 100 को माइनस कर दो तो ये हो गया 25। अब आपसे दोस्तों क्या पूछा है, ये m है नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडियल स्मॉल m, और ये दोस्तों नंबर ऑफ नॉन यूनिट्स n है, तो 25 ये और ये, तो दोस्तों m प्लस n क्या हो जाएगा, 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। तो इसका आंसर दोस्तों 26 होगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, तो कंसीडर द इनर प्रोडक्ट p2 ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 ओवर द फील्ड ऑफ दिस, ओके। अब दोस्तों f0 f1 f2 क्या बोला है, ऑर्थोगोनल सेट इन p2 वेयर f0 F1, F2 अपने को दिया है और पूछ रहा है 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 क्या होगा। अब इसे निकालते हैं, ये भी दोस्तों बहुत इजी प्रॉब्लम है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने
सॉल्व कर दिया अभी, क्योंकि अगर इसको पूरा सॉल्व करते फुल तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई दोस्तों। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सिंपली बोला दोस्तों, इनर प्रोडक्ट एफ जी डिफाइन किया गया है, और आपको बोला एफ वन एफ टू ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थोगोनल सेट है दोस्तों, ठीक है। एफ जीरो एफ वन एफ टू दे दिया हम लोग को, पूछा है टू सी वन सी टू प्लस थ्री सी थ्री क्या होगा। तो सिंपल दोस्तों, एफ और जी अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो एफ जीरो को मैंने एफ वन से दोस्तों कर लिया इनर प्रोडक्ट, और मुझे मिल गया सी वन वहाँ से। फिर दोस्तों ऐसे सेम मैंने एफ जीरो को एफ टू से कर लिया, और वहाँ से मुझे मिल गया, एक मिनट, ये सी वन है, ठीक है, सी थ्री दोस्तों यहाँ से मिल गया, क्योंकि सी वन यहाँ पे माइनस हाफ है, मैंने पुट कर लिया दोस्तों, और यहाँ से मुझे मिल गया सी थ्री माइनस वन बाई थ्री। सिमिलरली दोस्तों एफ वन कॉमा एफ टू कर लो आप इनर प्रोडक्ट, और आपको क्या मिल जाएगा, जीरो से वन तक एफ वन डाल दो एफ टू डाल दो। दोस्तों यहाँ से मैंने निकाल लिया सी वन मिला था, सी थ्री मिला था, दोस्तों दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, और यहाँ से निकाल लिया मैंने सी टू। एक बार दोस्तों सी वन सी टू सी थ्री मिल गया, इसी क्वेश्चन में आप पुट कर दो, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस थ्री। इसका आंसर दोस्तों माइनस थ्री है। अगर आप दोस्तों वीडियो नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप अपना नोटबुक में सॉल्व करिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये जो है दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों ये आगे वाला भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। आपको दोस्तों ये सिस्टम सॉल्व करने दिया था, और आपको ये वैल्यू पूछी है। इसको दोस्तों करने के तो बहुत सारे मेथड हैं, आप इसका आइगन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ऑपरेटर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने दोस्तों लैपलेस से किया है, क्योंकि दोस्तों लैपलेस मुझे ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो सिंपल दोस्तों, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लिया, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव जो मैं आपको बताया था पहले थोड़ी देर पहले भी, एल ऑफ वाई डैश दोस्तों क्या हो जाता है, माइनस ऑफ वाई ऑफ जीरो प्लस एस इंटू वाई बार। ओके, वही सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखा है, बस खाली एक्स वन एक्स टू है अभी। तो एक्स वन जीरो प्लस एस इंटू एक्स एक्स वन बार इक्वल टू फाइव टाइम्स एक्स वन बार, सबका दोस्तों लैपलेस हो गया। अब एक्स वन ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है जीरो है, और एक्स टू ऑफ जीरो तो वन है, यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यू। और यहाँ से दोस्तों आपका एम है, इसको आप लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करो, जैसे आप टेंथ में सॉल्व करते थे एक्स वन एक्स टू, इसको आप एक्स और वाई ट्रीट कीजिए बस। यहाँ से आपको दोस्तों एक बार सिर्फ ये इक्वेशन मिला, यहाँ से मैंने एक्स वन एक्स टू को साथ में रख लिया, फिर दोस्तों इस इक्वेशन को मैंने टू से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे ये टर्म कैंसिल करना था, इस इक्वेशन को मैंने टू से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये वाले इक्वेशन को एस प्लस वन से, और दोस्तों मैंने इसे कैंसिल कर दिया, और यहाँ से मुझे एक्स वन बार मिल गया। तो दोस्तों हमारा एम है एक्स वन बार को निकालना, फिर इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर डाला। दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन करने बाद आप इसका क्या ले लो, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। दोस्तों इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप देखो एल ऑफ ई पावर ए टी क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए। तो दोस्तों एल इनवर्स क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए क्या हो जाएगा, ई पावर ए टी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर थ्री रहेगा तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, तो वैसे दोस्तों सेम हुआ, एक्स वन इस बार माइनस वन अपॉन एस माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एस माइनस वन, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लो इनवर्स, तो ये मिला दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं सी दोस्तों, एक्स टू को सॉल्व करने के लिए आपको वैसे तो यूजुअल मेथड करना पड़ता है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसने बोल रहा है कि अगर एक बार एक्स वन को डिफरेंशिएट करो, उसमें से पांच एक्स वन माइनस करो और माइनस टू से डिवाइड कर दो, तो आपको एक्स टू मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने वही किया, और यहाँ से मैंने एक्स टू निकाल लिया। दोस्तों एक बार एक्स वन और एक्स टू मिल गया, तो आपको पूछ रहा है लॉग टू द बेस ई एक्स टू ऑफ टू माइनस एक्स वन ऑफ टू क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल, लॉग ऑफ पूरी वैल्यू पुट कर दो, एक्स टू ऑफ टी क्या हो जाएगा, टू ई स्क्वायर माइनस ये ई का पावर छः, और ये माइनस ई का पावर टू प्लस ई का पावर सिक्स, ये दोस्तों लॉग ई टू द बेस ई स्क्वायर विच इज टू। इसका आंसर दोस्तों टू हो जाएगा। ओके, अभी दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन बस है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एकदम सिंपल सा है दोस्तों, वापस आपको इंडिशियल रूट्स का इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स पूछ रहे हैं। दोस्तों इसको एकदम सिंपल सा आपको रूल देता हूँ, आप खाली ये निकाल लीजिए इसका पी और क्यू क्या होगा, ठीक है, और इस इक्वेशन में डाल दीजिए आर इंटू आर माइनस वन प्लस ए आर प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों पी क्या है, तो वही सेम जैसे हम लोग फ्रोबेनियस सीरीज मेथड में करते हैं। सो एक्स टेंड्स टू किस पे पूछा है, जीरो पे पूछा है। तो दोस्तों जीरो इंटू पी ऑफ एक्स निकाल लो, और क्यू निकाल लो आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू ऑफ एक्स। तो दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स क्या है अपना, माइनस नाइन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस नाइन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये एक्स कैंसिल दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस नाइन। और क्यू हमारे यहाँ पे दोस्तों सेवन है ना, तो सेवन और ये वाला फैक्टर से डिवाइड करो, एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू सेवन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स की वजह से दोस्तों ये पूरा जीरो बन जाएगा। और अगर आप नहीं समझ पाए ये पी और क्यू कहाँ से आ रहे हैं, तो दोस्तों आप इस इक्वेशन को पहले आप इस फॉर्म में ट्रांसफर कीजिए, वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस q
क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो। दोस्तों उसके लिए आपको इस टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। अब आप इसमें फीड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आर इंटू आर माइनस वन, और पी की दोस्तों कितना है माइनस नाइन आर है इक्वल टू जीरो। आप यहीं से आर कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा आर माइनस वन माइनस नाइन टेन इक्वल टू जीरो। मतलब दोस्तों आर इक्वल टू जीरो है और आर इक्वल टू टेन है। इसने पूछा था सम ऑफ द इनिशियल रूट्स, तो दोस्तों क्या मिल गया जीरो प्लस टेन इक्वल टू टेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आपको दोस्तों कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, ताकि मैं 2020 का वीडियो बनाने में दोस्तों मैं अलर्ट रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।